Assalamu alaikum. Good morning, good morning. A very good morning to all of you. Happy birthday to me. Happy birthday to me? Happy birthday to me? Ye happy birthday to me kaun gaata hai bhai? Hum to hamesha sunte chale aaye happy birthday to you. Ye me kahan se aa gaya? Isliye ki aaj hamari birthday hai bhai. Hum sab ki birthday hai. इसलिए कि पाकिस्तान टेलीविजन की बर्थडे है और एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी ही नस्लें जो हैं वो पीटीवी ने पांव पांव चलना सिखाई है। मेरे मामले में तो ये बिल्कुल दुरुस्त है और आपके मामले भी यकीनन बहुत सी ऐसी कहानियां होंगी जब आपको याद होगा कि माँ बाप ने फुफो खाला चाचा नानी नाना दादी दादा मामू बहुत से तरबियत गाहें हैं जिनसे हम सीख कर आगे बढ़े लेकिन एक तरबियत गाह ऐसी है जिसका नाम है पाकिस्तान टेलीविजन जिसने हमें पाँव पाँव चलना भी सिखाया जिसने मामा बाबा कह के क्या कहना है वो भी सिखाया और सबसे बढ़कर पीटीवी ने हमें सिखाया कि क्या नहीं कहना कब नहीं कहना किससे नहीं कहना किससे कब कैसे क्या बात करनी है तो किस अंदाज में करनी है शीन काफ लहजा तलफ्फुज ये सब हमने पाकिस्तान टेलीविजन से सीखा चाहे जबान कोई भी हो तो आज हमारी बर्थडे हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारी माँ भी है हमारा बाप भी है हमारी फुफ्फो भी है हमारा चाचा भी है हमारा मामू भी है हमारा बड़ा भाई भी है सबसे बढ़कर हमारा दोस्त भी है पीटीवी की आज सालगिरह है और हमने ब्रेकफास्ट एट होम में सोचा है कि सालगिरह को जबरदस्त तरीके से हम मनाएंगे आप हमारे साथ रहेंगे बहुत से डिफरेंट गेस्ट भी आते रहेंगे हमारे जो स्टार बच्चे हैं वो भी हैं कुछ लाइव म्यूजिक भी साथ साथ होगा और हम ये देखेंगे कि सारी जो बातें हैं ये सारी जो यादें हैं इनको हम किस तरह से अनफोल्ड कर सकते हैं तो आप किसी भी जनरेशन से इस वक्त ताल्लुक़ रखते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी पीटीवी के साथ आपका रिश्ता जुड़ा और मज़बूत रहा है और आज भी है तो आज ज़रा कहानियों को अनफोल्ड करेंगे रहना है आपने हमारे साथ और देखते हैं कि आज इस पहले सेगमेंट में हमारे साथ कौन है कुछ ही अरसा पहले आपने ब्रेकफास्ट एट होम में इनको डिफरेंट सेशंस में देखा सिमल हमारे साथ मौजूद हैं और जासिम हैदर हैं फ्रॉम पिंडी बॉयज गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू वेरी मच सिमल आपको पता है कि बहुत जबरदस्त गाती हैं कोक स्टूडियो के हवाले से इनका इनका काम जो है उसको हम सब जानते हैं और पिंडी बॉयज को कौन नहीं जानता मैं समझता सिर्फ मैं ही एक पिंडी बॉय हूँ लेकिन ये भी पिंडी बॉय हैं जासिम गुड मॉर्निंग आज क्या प्लान है ये क्या गिटार शिटार आप कौन से गाने हमें सुनाने जा रहे हैं आज हम थोड़ा नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करेंगे कुछ पुराने गाने हम गाएंगे पीटीवी के गाने और पीटीवी के गानों से क्या मुराद है जो पीटीवी की अपनी प्रोडक्शंस या हाउ डू यू डिफाइन इट पीटीवी की जो अपनी प्रोडक्शन है आई डिफाइन इट कि जो हमारा पूरा पाकिस्तान का जो बचपन गुजरा है वो पीटीवी के साथ गुजरा है लवली पाकिस्तान के बचपन के गाने फिर हम गाएंगे ग्रेट और हम हर सेगमेंट में हर सेशन में जासिम सिमल और अमीर अली और रॉजर फ्रांसिस भी अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे और इनसे हम ये गाने सुनेंगे लेकिन हुक लुक हूज हियर अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हमारे साथ हनान था एमबीए एसएमए और अमल अमल का हाई फाइव रह गया आधे में क्या हाल है जनाब ठीक है आप लोग अच्छा ग्रेट भाई आज हमने सोचा कि हम ये करें कि हमारे जो स्टार ये किड्स हैं जो रोज़ आपके लिए मज़े मज़े के सेगमेंट्स बना के लाते हैं आज इन चारों से हम पीटीवी की बर्थडे के हवाले से कुछ स्पेशल बात करेंगे और देखेंगे कि इनके पास पीटीवी के लिए आज अपनी रिसर्च में क्या है ना सब लोग तैयारी करके आए हैं अमल ने किस टॉपिक पर तैयारी की है मैंने की है ऐनक वाले जिन के बारे में ऐनक वाला जिन के बगैर कैसे जिंदगी मुकम्मल हो सकती है ना और ऐसे मैंने किस पे तैयारी की है मैंने आज तीन चीजों की तैयारी करी और उनमें से शामिल होता है 50-50 अंधेरा उजाला और एक बच्चों का प्रोग्राम मीना अंधेरा उजाला 50-50 और मीना पे हमें हमारी यादों की जो पोटली है उसको खंगालेंगे एसएमए और एमबीए ने क्या तैयारी की है मैंने अलिफ नून के बारे में किया जो एक ऐसा शो है जो हम कभी भूल नहीं सकते कभी भूल नहीं सकते अलिफ नून और हनान था माय फ्रेंड आपने किस पे तैयारी की है पीटीवी का एक प्रोग्राम जब मैं होती नहीं थी और मेरे मम्मा पापा छोटे होते थे पीटीवी का एक ऐसा प्रोग्राम जब मैं नहीं होती थी और मम्मा पापा छोटे होते थे और उसका नाम क्या है उसका नाम है कलियां कलियां वेरी गुड कलियां पे आपने तैयारी की और किस पे की है और
और निकी। अच्छा जी, तो चलें जनाब हम हनानता से शुरू करते हैं, क्योंकि साथियों कलियां एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके किरदार आज भी मेरे साथ होते हैं, मतलब मेरे घर में ही घूमते फिरते रहते हैं। मैं ये तो पुराने टाइम का काफी मशहूर प्रोग्राम है, भूल कैसे सकते हैं? भूल कैसे सकते हैं, ग्रेट। चले जी, हनानता हमें बताएंगे अब कलियां के बारे में। जी हां, एक छोटा सा फूल होता है जो बंद होते हैं और जब वो खुल जाते हैं उसको कहते हैं फूल। जो फूल छोटा सा होता है तो वो कली होता है और जो खुल जाता है तो होता है फूल। बिल्कुल ठीक है, अब प्रोग्राम के बारे में हमें कुछ बताएं। कलियां में होता है अंकल सरगम, वो जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में टॉक करते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने पेट्रोल पी लिया, हाँ, पाकिस्तान में पानी खत्म हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया या पानी, इस तरह के जो इश्यूज हैं उस पे अंकल सरगम बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और कौन होता है उसमें जनाब? और एक होता हैगा जो सब चीजों के एंड में कहते हैगा। और कौन होता है उसमें? मासी मुसीबते और सब उनको तंग करते हैं, है ना। मासी मुसीबते के बाल कितने क्यूट होते थे, पीछे करती थी, है ना। हाँ, पीछे रखी करती थी। ये तो इतना मशहूर हो चुका है कि पार्कों में इनका स्टैचू बन चुके हैं, हमारे घर के साथ इनका स्टैचू है, हमारे घर के पीछे इनका राइटर भी है। अच्छा, और उनका नाम आपको पता है कि क्या है? नहीं यार, मुझे पता है। पता है क्या? फारूक कैसर, बिल्कुल। और आपको पता है जो अंकल सरगम के पीछे, मैं इस सीक्रेट आउट करने लगा हूँ मैं कलियां का, एक कि अंकल सरगम के पीछे जो आवाज होती है ना, वो भी फारूक कैसर, वो फारूक कैसर साहब की है। क्या? जी, वो लिखते भी इसको थे और लिखते भी हैं और खुद अपनी आवाज भी है। मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग। अच्छा हनानता, और मुझे बताओ और क्या कोई और पॉइंट रह तो नहीं गया तुम्हारा? अंकल सरगम हर शो के एंड में कहते हैं कलियां खेलेंगे, फूल खेलेंगे, अगली बार जरूर मिलेंगे। कलियां खेलेंगी, फूल खेलेंगे, अगली बार जरूर मिलेंगे। जबरदस्त। अच्छा, ये आपने मामा ने आपको बताया था कलियां के बारे में जी, और आपने देखा भी जाके इसको जी? वेरी नाइस। अच्छा जी, एमबीए अलिफ नून एक बहुत ही मेमोरेबल शो है, और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँ कि मैं आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर ऑन दिस डे, कि पीटी एक बहुत ही बड़े चैनल की बर्थडे, और पीटीवी जो है वो हम सबका पेरेंट चैनल है, और जो पेरेंट की बर्थडे होती है वो बच्चे खूब सेलिब्रेट करते हैं, और हम सब पीटीवी के बच्चे हैं। इसलिए मैं एक पुराना शो लाना चाहता हूँ जो मैंने भी अपने बचपन में देखा था, अलिफ नून। अब मैं अलिफ नून की आपको स्टोरी बताऊँ कि अलिफ जो होता है अलिन, वो उनका नाम कमाल अहमद रिजवी है, और जो नन्ना है वो है वो रफी खावर। जो अलन होते हैं वो एक बहुत ही स्मार्ट माइंडेड बिजनेसमैन होते हैं, वो श्रूड होते हैं, उनको पैसे कमाने होते हैं विद इन एनी वे पॉसिबल, उनको चाहिए होते हैं चाहे वो फ्रॉड कर रहे हो। लेकिन जो नन्ना होता है वो अपने लोगों के लिए सोचता है और वो ऑनेस्ट लिविंग कमाना चाहता है, और वो हर एपिसोड में दिखाते हैं कि अलन जो होता है वो एक ऐसी चीज़ सोचता है कि मैं डेयरी मिल्क फार्म बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, और बेचारा नन्ना अपनी मासूमियत के अंदर सारे उसके राज ही खोल देता है। Exactly. एक जैसी एपिसोड थी आर्ट गैलरी, उसके अंदर उन्होंने पेंटिंग्स की, तो जब अलन लेने गया उसने सारे राज उसके बता दिए। बिल्कुल ठीक है जी, और इस तरह मैं ये बताना चाहूँ कि ये सिर्फ हमें हंसाते नहीं थे, लेकिन ये हमें मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाते थे, हमें लेसन भी सिखाते थे, और जो भी लेसन सिखाते थे वो हम आज तक ज़िंदगी में ला चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को लाना है। उसमें से दो थे, एक हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और दूसरा है कि हमारी फ्रेंडशिप पक्की होनी चाहिए, जैसे मेरी और असम की है। वाह, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, ये सारे ये इस अलिफ नून ने हमको लेसन सिखाया जो हमारी लाइफ में, सिर्फ लाइफ में हमको दुनिया के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो दुनिया के लिए प्रिपेयर करता है। कितनी अच्छी ऐसा मैंने और एमबीए ने बात की कि ये बज़ाहिर कॉमेडी के पीटीवी के साथ ही प्रोग्राम्स होते थे, मिसाल के तौर पे अलिफ नून, लेकिन उसके अंदर जैसा मैं ऐसा मैंने बताया कि उसमें लेसन है, एक ऑनेस्टी और एक दोस्ती, कि फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें
जैसे ऐसे में कह रहे हैं दुनिया के लिए तैयार आजकल जो दोस्त बनते हैं वो सिर्फ फायदे के लिए बनते हैं आज कुछ लोग कहते हैं अगर मुझे कोई काम अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं इसके दोस्त बन जाता हूँ और जब हमें फ्रेंड्स होना चाहिए अगर आपको दोस्त से फायदा भी नहीं हो रहा तो आप लोगों को जैसे मेटल रॉड्स को टाई कर दें साथ और वेल्ड कर दें अंदर एक दूसरे को डाल दें फ्रेंड शुड बी लाइक दैट कि वो एक दूसरे के साथ तोड़ ना दे अपनी दोस्ती जबरदस्त और ये सारे हमें तरबियत हमारी पीटीवी अपने प्रोग्राम्स के जरिए करता था और करता है ग्रेट अमल अब तुम्हारी बारी है आज क्या था जी हमारा ऐनक वाला जिन इसके बजाय दुनिया कैसे बने दुनिया के हाँ जी बताओ ऐनक वाला जिन के बारे में बताओ अभी कुछ दिनों पहले मैं हैरी पॉटर देख रही थी वो बहुत मैजिकल वगैरह है लेकिन फिर मामा ने बताया कि उनके बचपन में एक और शो आता था जिसका नाम था ऐनक वाला जिन उसमें जैसे जिन है विचेस है और बहुत सारे जैसे जादूगर हैं परियां हैं फेरीज भी होती थी इसमें है ना परियां भी आती थी अच्छा फिर और बताओ और जैसे इमरान एक दोस्त होता है ऐनक वाले जिन का ऐनक वाले जिन सबसे पहले वो अपने शहर में होता है लेकिन फिर उसकी आईसाइट वीक हो जाती है अच्छा तो वो अर्थ में आ जाता है और फिर वो ऐनक लगा देता है और फिर उसका नाम बन जाता है ऐनक वाला जिन ये ऐनक वाला जिन तो से मीम टाइप था या फ्रेंडली 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 था ऐनक वाला जिन तो उस बेचारे को तो उन्होंने अपनी दुनिया से निकाल दिया सिर्फ उसकी आंखें खराब थी जादू से सही कर देते इसमें क्या हाँ ये भी मजा लेकिन तो फिर प्रोग्राम कैसे चलता यार प्रोग्राम कैसे चलता है समझा कर ये सुनो ऐनक वाले जिन को दुनिया से हटा दे प्रोग्राम को देख रहे हैं जो भी हो जाए अच्छा अमल और कोई पॉइंट अच्छा जब भेजा तो भेजने से पहले ऐनक वाले जिन का नाम था नस्तूर नस्तूर बड़ा फिट नाम है जिन के लिए फिट नाम है हमारे लिए तो नहीं है नहीं अच्छा फिर जब वो गया तो कुछ लोग थे जो उससे जेलिस थे जैसे हामून वो उसका लॉकेट चुराना चाहता था और बिलबतोड़ी बिलबतोड़ी यस और जैसे इमरान उसका दोस्त बन गया था ऐनक वाले जिन का उसने उसे डॉक्टर के पास लेके गया था और ऐनक लगवाई थी ऐनक लगवाई थी और हर एपिसोड में कोई डिफरेंट कहानी होती थी अमन है ना हर एपिसोड में डिफरेंट कहानी होती थी और उस वक्त पीटीवी के पास इतने ज़्यादा वो भी नहीं जैसे उस वक्त टीवीज भी नहीं होते थे इतने ज़्यादा कैमरास भी नहीं होते थे कैमरास भी नहीं होते थे प्रोड्यूसर्स ऑन द रेडियो शुरू में है ना हाँ ये जो ऐसे में बात कर रहे हैं कि जब पीटीवी शुरू हुआ किसी को पता है किस किस शहर से शुरू हुआ था पीटीवी लाहौर उनके सबसे पहला स्टेशन लाहौर में था एम्प्रेस रोड पे एम्प्रेस रोड पे बच्चा ने जनाब कैसी जबरदस्त तैयारी की एम्प्रेस रोड लाहौर पे और जब टेलीविजन साथियों शुरू हुआ तो उस वक्त टीवी तो था नहीं पाकिस्तान के अंदर 1964 में तो जो रेडियो था ना रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से पीटीवी शुरू हुआ तो एक तरह से रेडियो जो है वो टीवी की मम्मा है आप ये देख लें कि छोटी सी बिल्डिंग रेडियो बन गया वो ऊपर से रेडियो बुर्ज खलीफा आ रही है बिल्कुल सही है अच्छा अमल कोई और पॉइंट रह तो नहीं गया तुम्हारा ऐनक वाला जिन वो ऐनक वाला जिन वैसे बहुत फ्रेंडली है और जैसे हामून जो है और बिलबतोड़ी वो एक दूसरे में वो बहुत फ्रेंड्स हैं और वो इकट्ठा होके ऐनक वाले जिन का लॉकेट चुराना चाहते हैं ताकि ऐनक वाले जिन उनके कंट्रोल में आ जाए क्या इस लॉकेट की कोई खास बात थी जी उसके अंदर उसकी पावर्स थी ऐनक वाला जिन के लॉकेट में उसकी पावर्स थी और ऐनक वाले जिन ने अपना लॉकेट रखा ये तो मुझे अब मार्वल स्टूडियोस की कहानी लग रही है ना डालता था और मगर मार्वल स्टूडियो तो चलेंगे नहीं स्टैनली मरिया हां ऑफ कोर्स यार है ना तो ये मुझे लग रहा है कोई डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर जैसा उसके लॉकेट के अंदर उसकी पत्थर के अंदर उसकी पावर्स है टाइम स्टोन जैसे वो कभी अपने लॉकेट को जूते में उसने एक दिन रख दिया तो उस वो उसे हामून को पता चल गया तो उसने जो है उसने बहुत सारे फूल ले लिए एक और बंदे में बेचने वाला बंदा में चेंज हो गया वो और उसने फूल बेच के ना पुराने जूते लेना शुरू कर दिया ताकि वो लॉकेट चुरा ले और फिर उसे लॉकेट मिल गया फिट आइडिया
तो जनाब हमने ऐनक वाला जिन को भी आज जरा याद करना है और उसको देखने की कोशिश करनी है, कलियां को भी, अलिफ नून को भी, लेकिन ऐसे में तुम्हारा कौन सा प्रोग्राम था? मेरे पास तीन प्रोग्राम्स है, काफी पुराने, काफी पुराने हैं, 50-50 अंधेरा उजाला और एक बच्चों का प्रोग्राम जिसकी एनिमेशन अच्छी हो सकती है, मीना। लेकिन जरा उस जमाने के हिसाब से उसके एनिमेशन अच्छे हैं, उसके जमाने के हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अच्छा जल्दी से 50-50 के बारे में। 50-50 एक प्रोग्राम था, कॉमेडी प्रोग्राम था जो सिर्फ एक सीरियल में नहीं आता था। ठीक है, एक एपिसोड में एक सीन, दूसरे एपिसोड में दूसरी सीन। हाँ, मुख्तलिफ स्किट्स की फॉर्म में होता था। स्किट्स की फॉर्म में। ठीक है जी, मैं सर छोटे करने के लिए ऐसे कर दिया। जाहिर है नॉलेज तो इतनी ज्यादा है ऐसे में के पास, हमारे पास वक्त नहीं है ना, लेकिन और फिर आते हैं अंधेरा उजाला। उसके अंदर एक काफी मशहूर बंदा था, डायरेक्ट हवलदार, जिसका असल नाम इरफान खूसट जी। और इरफान साहब अभी भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, फिल्म्स में, टीवी पे, थिएटर में, और बहुत बड़ा नाम, बहुत कॉमेडी प्रोग्राम है। और ये हर दफा खुद को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक जो मैंने देखी थी उसके अंदर एक नंबर प्लेट का चोरी होती है ना, तो एक बंदे एक मेहरान चला रहा था, उसके पीछे उन्होंने एक फेक नंबर प्लेट लगा दिया, असल नंबर प्लेट नीचे थी, तो वो पीछे आए तो थोड़ी टूटी हुई थी देखने के लिए, पीछे बस ऐसे गए साइकिल के पास जाने के लिए, पता चला नीचे नंबर प्लेट टेढ़ी है, सही करने के लिए उतारी तो पूरी निकल गई, पीछे पीछे से एक और नंबर प्लेट निकल रही है। और फिर जो बंदा था गाड़ी में बैठा हुआ था ना, वो बाहर निकल आया, तगड़ा सा था, स्ट्रॉन्ग, तो उसने पहले अपनी जेब से पैसे निकाले, 20 रुपए, उस टाइम में तो 20 रुपए काफी थे, तो उन्होंने पैसे निकाले रिश्वत देने के लिए जी। उसने कहा ये ले लो, छोड़ के मुझे भाग जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम आओ मेरे साथ। तो वो बंदा गुस्सा आया, भागे से, और दूसरे बंदे ने जब भागते हुए उसको चप्पल मिली, चप्पल से उसको मारा, और फिर ये हुआ कि पुलिस स्टेशन ले गए, 8-9 पुलिस वाले आ गए। हाँ। और फिर जो पुलिस का जो पूरा बंदा था जो उस स्टेशन को, उस स्टेशन का मैनेजर था, वो आया अपने ऑफिस में ले गया, और जो असल काम और जो स्टेशन का ऑफिसर था उसने इरफान खुसर को डांटना शुरू कर दिया। यानी उल्टा काम हो गया। मुझे एक बात नहीं समझ आई कि मेहरान कौन चोरी करने की कोशिश करता है? चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये काफी बड़ी क्राइम हो चुकी है, क्योंकि कि वो दूसरे लोगों की स्क्रू ड्राइवर से नंबर प्लेट निकालते हैं और अपनी गाड़ी पे लगा लेते हैं। और उसमें एमबीए पे इस तरह की चीजें बहुत से और क्राइम्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, कि आपने कहीं चोरी करनी है, किसी बैंक में डाका डालना है। हाँ, तो वो जैसे अगर आपने स्टील की तो आपने वो नंबर प्लेट लगाई, वो उतारे नंबर प्लेट। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी बहुत मजे मजे की इनपुट से इन सारे प्रोग्राम्स को साथियों और इन पीटीवी के यादों को याद करने का मकसद ये है कि आज पीटीवी की बर्थडे है और हम मजे मजे के प्रोग्राम्स आज देखेंगे भी, लेकिन बचपन की यादें तो मेरा ख्याल है सिमल और जासिम की बहुत सारी होंगी। व्हाट इज योर चाइल्डहुड मेमोरी जासिम पीटीवी के हवाले से? हम लोगों ने तो काफ़ी लेट ज्वाइन किया, 87-89 के बाद से, जब वाइटल साइंस का टाइम से हमने ज्वाइन किया पीटीवी। ऐनक वाला जिन देखा हमने और उनकी म्यूजिक वीडियोज आती थी वाइल्ड साइंस की, गिटार 93 देखा हमने। हाँ। तो इस तरह के मेमोरीज हैं बड़े। तो आपका जो म्यूजिक के साथ शौक था उसके अंदर एक क्लास हम कहें तो पीटीवी भी बिल्कुल ऐसा ही। मैंने गिटार जब लिया अर्ली 1999-2000 में, तो मैं वाइटल साइंस से गाने बजाता था गिटार पे, तो वही कैसेट्स होती थी हमारे पास उन्हीं की रिकॉर्डिंग्स, तो वही सुन के वही बजा बजा डीडीके की कैसेट्स होती थी, ए साइड बी साइड, नहीं ये बी पे था, नहीं ए पे, थोड़ा आगे करो, फॉरवर्ड करो, नहीं रिवाइंड करो, है बिल्कुल। और टीवी से उस टाइम पे ये चीज थी कि आप पॉज रिवाइंड और ये नहीं कर सकते थे, तो वो काफी मुश्किल मेरे घर में इवॉल्व करके पीछे करो आगे करो आगे करो आगे करो, और पेंसिल होती थी, पेंसिल से अगर पीछे करना पेंसिल को इस तरफ करना है, आगे करना पेंसिल को इस तरफ करना है। देखो ये ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हमारी जनरेशन। मेरे घर पे इतनी ज्यादा, मेरी घर के अंदर जो अलमारी है उसके अंदर कैसेट पड़ी हुई है, मैंने खोल के मैंने ये क्या है समझ ही नहीं आता। आपके ऑफिस में एक टीवी पड़ा हुआ है, काफी पुराना टीवी है, उसके अंदर अभी भी है उसके अंदर, इसलिए तो मैंने उसको कमरे में रखा हुआ था कि एक कमरे में एंजॉय तो कर ले। एग्जैक्टली। अच्छा सिमल, व्हाट आर योर चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेन इट कम्स टू पीटीवी?
द सेम लाइक सारे जो गाने मैंने अपने बचपन में सुने, जिनसे मैंने सीखा, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सुनाए, वो यही पी टी वी की प्रोडक्शन में नाज बेगम, नूर जहाँ का एक प्रोग्राम लाहौर से आता था तरन्नुम नाज, और उसके अलावा बिल्कुल फरीदा खानम की गज़लें, और ये सब सुन सुन के फिर हम बड़े हुए, फिर उससे हमें म्यूज़िक का शौक़ हुआ. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले पी टी वी के गानों को ही एक्सपोज किया पहले मुझे. ग्रेट. तो जनाब आज हमारा इरादा ये है, पहली बात है थैंक यू वेरी मच अमल, एसएमए, एमबीए एंड हनानता, आपने हमारी पीटीवी की यादें इतनी हमारी रिफ्रेश की. आज जनाब सिलसिला ये होगा कि पिंडी बॉयज़ यानी कि जासिम, हैदर एंड सिमल, ये आज पूरे हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ रहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के, और पीटीवी के जिनको मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक सॉन्ग्स यानी पीटीवी की अपनी प्रोडक्शंस, पीटीवी पेशावर सेंटर, क्वेटा सेंटर, कराची सेंटर, लाहौर सेंटर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सेंटर, ये हर हफ्ते हमेशा नए नए म्यूज़िक के प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करते थे. आज तफसील में इसमें आगे चल के बात भी होगी. इनकी कुछ चीज़ें हमें ये साथ साथ सुनाया करेंगे. तो इस सेगमेंट को हम कहाँ एंड करें जी, क्या सुनाने लगे हैं आप हमें? अफशा अहमद जी और मोहम्मद अली शेखी का गाना था मेरे बचपन के दिन. ओह यस, ये गाना तो इट्स सो इमोशनल के इट ब्रिंग्स टीयर्स टू माय आईज, बैक मेमोरीज है ना. चले जनाब एंजॉय. बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन में सुनोन ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन कैसे मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन. कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी वो खुशी, झूमते गाते हंसते हंसाते, झूमते गाते हंसते हंसाते, एक दूजे पे जान लुटाते, काश फिर वो जमाने, काश फिर वो जमाने, दिखा दे कोई मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन. Very nice. मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन. आज बैठे अच्छे है ना, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए. हमारा तो बचपन है अभी. किधर से बचपन है, बातों से तुम लोगों की बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारा क्या था फीचर. अभी हमारा तो बचपन है भाई. अमल कह रही है अभी हमारा तो बचपन है भाई, दादी अम्मा कह रही है कि हमारा तो अभी बचपन चल रहा है. ग्रेट गाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल फोर ऑफ यू. और ये बचपन के दिन
साथियों आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए इसलिए याद आ गए कि आज हम पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की बर्थडे मना रहे हैं। आज हमारा ये स्पेशल एपिसोड है ब्रेकफास्ट एट होम का, जिसमें हम कुछ देर में हम अपने बहुत सीनियर टेलीविजन के नाम और ऐसे लोग जिनसे मेरी ब्रॉडकास्टर्स की जनरेशन ने सीखा और हम सब ने पीटीवी से इनके थ्रू सीखा, उनको अभी कुछ देर में एक एक करके बुलाएंगे, उनसे गप लगाएंगे। पिंडी बॉयज के जासिम, हैदर और सिमल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हम पीटीवी के पुराने गाने भी एंजॉय करते चले जाएंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, कहीं जाना नहीं आपने, आज पीटीवी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी, आज पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह है, हम सब की सालगिरह है। और जैसा कि मैं इब्तदाई में साथियों अर्ज कर रहा था कि पीटीवी ने हमें पाँव पाँव चलना एक्चुअली सिखाया, हमें बोलना सिखाया, ना सिर्फ ये कि क्या कहना है बल्कि ये भी सिखाया कि क्या नहीं कहना और कहाँ नहीं कहना। और आज बहुत सी ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे हमने ज़बान का लिहाज, ज़बान व अदब की शाइस्तगी, उमदगी, इन मयारात को परखा, जाना, सीखा। और ऐसे में दो ऐसे नाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि एक नाम ने तो वाकई मुझे घर में ही वाकई पाँव पाँव चलना सिखाया और एक शख्सियत ऐसी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के जो गोल्डन इरा है, जो सुनहरी दौर है, उसके अंदर इतने अपने शागिर्द और शागिर्दाएँ तैयार की कि मेरा ख्याल है कि हिसाब की कॉपी जो है ना वो ख़त्म हो गई होगी। मोहतरम अज़हर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कुरातुलैन अली साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने वाकई पाँव पाँव मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, न सिर्फ घर में लेकिन इनकी ज़बान और इनकी मुस्कुराहट और इनके अंदाज बयां से मैंने वाकई एक शागिर्द की हैसियत से बहुत कुछ सीखा। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आपको भी जनाब, पाकिस्तान टेलीविजन को और आप सबको। ये बताइए कि आज हमने आपको सुबह सुबह कुरातुलैन उठाया है, आपने ये वाला जो शो है मुस्तनसर हुसैन तारर साहब के साथ 1988 में 16 जुलाई को शुरू किया और ये ब्रेकफास्ट शोज की रिवायत थी जो जिसमें जिसके अंदर भी स्टैंड अलोन पाकिस्तान टेलीविजन ये कह सकता है कि हमने शुरू किया। बिल्कुल, कुछ यादें इतनी सुबह अंधेरे मुँह। डेफिनेटली ये जो आपने बात कही ना कि पाकिस्तान टेलीविज़न पायनियर है, पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये मॉर्निंग शो की रिवायत रखी, खालिद महमूद जैदी साहब और ये सब निसार हुसैन साहब, ये लोग थे कि जिन्होंने इब्तदा की और ये कॉन्सेप्ट दिया। और फिर मैं और मुस्तनसर हुसैन तारड़, बल्कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इसकी इब्तदा की देखा जाए तो पहली ट्रांसमिशन और शुरू के काफ़ी जो महीने थे, 2-3 महीने कम अज़ कम या शायद इससे ज़्यादा, वो मुसनसर साहब ने इसको जमाया, इसको बनाया, इसका एक ट्रेंड दिया और उसके बाद मैंने इसमें कदम रखा। और मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना सिर्फ ये कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन एक नया कॉन्सेप्ट था, बल्कि मैं भी स्क्रीन के लिए नई थी और स्क्रीन मेरे लिए नई थी, यानी मेरा ज़िंदगी का जो टेलीविज़न का पहला तजुर्बा है वो मॉर्निंग ट्रांसमिशन से शुरू हुआ। तो ये जो सुबह सुबह की बात है ना, या आज जब मैं आ रही थी तो मेरी अमूमन ट्रांसमिशन का आगाज़ भी यहीं से हुआ करता था कि आज जब मैं आ रही थी, तो आज भी मुझे यही याद आ रहा था कि आज जब मैं आ रही थी तो मैं उस सुबह को याद कर रही, उन सुबहों को याद कर रही थी। Exactly. कि वो जो हवा की खुनकी है, वो एक जो खूबसूरत आगाज़ होता है दिन का, वो आई कुड फील दैट और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अज़हर साहब, आप ने माशाल्लाह कितने लोगों का शीन काफ दुरुस्त किया कुछ को बता के और कुछ को बिन बताए सिर्फ स्क्रीन पे उसकी अदायगी से, कोई ऐसी याद जो आप कहें कि अरे वाह, बस यहाँ पे तो सही मानों में आसान खता हो गए कि ये क्या हो गया और उसको कैसे संभालें। बहुत शुक्रिया तौसीक हैदर, आपने बड़ी खूबसूरत इब्तदा में जो गुफ्तगू की और कुरातुल्लाइन हैदर ने जिन अल्फाज में वो दोहराया सारा कुछ जो इब्तदा में हुआ करता था। लेकिन इससे पहले मेरा जी चाहता है जी कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ये मुबारक सालगिरह उस मुबारक महीने में आई है
جو نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقدس مہینہ ہے. کتنی متبرک کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ سالگرہ اس مبارک مہینے میں پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ آئی ہے. میں اس مبارک موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والوں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ان تمام کارکنوں کو جو آج ہم میں نہیں ہیں, جو آج موجود بھی ہیں, جو آج جن کے چہرے میں کھلکھلاتے دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھ کر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ کی. اور یہ ان سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس محنت اور لگن کے ساتھ ان کے پرانے ساتھیوں نے یہاں تک پہنچایا پاکستان ٹیلی ویژن کو, اسی طرح قائم و دائم رکھیں. آمین. اور جس طرح یہ پروگرام ہو رہے ہیں اور جن حالات میں ہو رہے ہیں, کئی چینل آئے لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی ایک ایسی شناخت قائم رکھی ہے اب تک, میں سمجھتا ہوں, جو دوسرے چینلز میں مجھے نظر نہیں آتی. یہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں, کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے اور اس قومی ادارے میں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں. میں ابھی آپ اس سے پہلے آپ کا ایک ایسی شگفتہ چہروں کو دیکھ رہا تھا جو ایسی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اپنی یادیں کہ یہ کلیاں ہوا کرتا تھا, یہ الف نون تو بڑوں کا تھا, کلیاں بچوں کا پروگرام, اینک والا جن, اینک والا جن جو آج تک یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو وہ باتیں میرے ذہن میں, وہ میں اس طرف چلا گیا کہ یہ وہ دور تھا جب ہم اسٹوڈیو میں دیکھا کرتے تھے یہی سارا کچھ. اور مسلح الدین مرحوم, ناہید نیازی. اظہر صاحب, بچوں کے پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن میں بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور میرا خیال ہے یہ وہ ادارہ ہے قرۃ العین, آپ اس میں میں چاہوں گا کہ جو آج تک بچوں کا کے سیگمنٹس کرتا, آپ کی کچھ یادیں, کیونکہ آپ لوگوں کا بھی بچوں کے سیگمنٹ, ہمارا بچوں کا سیگمنٹ آج آپ نے دیکھا ہے, بہت مزے کا اور بالکل فرق انداز میں. ہم تو خیر اکیلے بیٹھ کے کرتے تھے, آپ نے تو رونق لگائی ہوئی ہے یہاں پر, اور لیکن ہوتا یہ سب کچھ تھا مگر وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوتا تھا. وہ خطوں کی بوریاں آیا کرتی تھیں سامنے, ہم وہ خطوں کے, فون وون تھوڑی آتے تھے یا ای میل نہیں آتے تھے, باقاعدہ خط آتے تھے اور ہم خطوں کے بیچ میں بیٹھ کے لفافے کھولتے تھے اور خطوں کے جواب دیتے تھے. ایک دن ہم نے رکھا ہوا تھا اس کا آپ کے لیے, اور ڈاکیا بھی آتا تھا, وہ ڈاکیا کو بھی ہم لے کر آتے تھے. کہ قلم اٹھانا, خط لکھنا, اینی پھپھو آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, چاچا جی کا کارٹون دکھا دیں. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا کمال ہے کہ آج بھی, اب میں اسکرین پر نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے لوگ راستہ روک کر, اینڈ آئی ایم امیزڈ, مجھے بہت حیرانی بھی ہوتی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, ایک عمر گزر گئی ہے اور پہچاننا, تو لوگ راستہ روک کر کہتے ہیں کہ اچھا آپ وہ والی آنٹی ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے رول کیا ہے, حکومت کی ہے, صرف ذہنوں پر نہیں دلوں پر حکومت کی ہے, اور یہ دلوں کی حکومت ہے کہ جو کبھی بھولتی نہیں ہے. تو بچوں کے پروگرام کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو میں نے تو بچوں کے بہت سے پروگرام کیے میرے بچپن کے. میرے بچپن کے دن جو ہے وہ ایکچولی آپ ہی اس کی, میں نے میں نے ہم نے شروع کیا اپنے خواجہ نجم الحسن صاحب کے ساتھ, اور اس کے بعد امجد بخاری صاحب کے ساتھ میں نے بہت سارے پروگرامز بچوں کے حوالے سے کیے. تو بہت ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز چلڈرن, اور بے شمار بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لائے جو بعد میں اسٹارز بن گئے. Exactly. جو خود بھی کمپیئرز بنے, جو خود بھی اناؤنسرز بنے. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو کنٹریبیوشن ہے نا, اس کو, اس کا کوئی مقابلہ, جیسے کہ اظہر صاحب نے کہا کہ وہ کوئی چینل نہیں کر سکتا, نہ ہی ہمیں کمپیریزن کرنا ہے, لیکن ایک کمپلیمنٹ دینا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ ذرا آواز کی کھنک اور آواز کا دبدبا اور آواز کا روب دیکھیے اور اتار چڑھاؤ دیکھیے کہ نہیں ملتا, اب نہیں ملتا بے شک. اظہر صاحب,
اردو زبان کو سیکھنا سمجھنا, اس حوالے سے آپ اس وقت جو پورے انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے اس کو کیسے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک اتھارٹی ہیں, ایک لیونگ لیجنڈ ہیں, جب اردو زبان کے اتار چڑھاؤ, لہجے, تلفظ کی بات ہوتی ہے, ذرا بتائیے کہ اس وقت جنرلی کیسی اردو ٹیلی ویژن انڈسٹری میں بولی جا رہی ہے, چاہے کوئی بھی چینل ہو انکلوڈنگ پی ٹی وی. توثیق, ابھی چند دمے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیکھوں توثیق حیدر کو اس کانفرنس میں جہاں بڑے بڑے ہمارے اردو زبان کے شاعر, ادیب, نقاد, دانشور آئے ہیں, لیکن مجھے وہ اردو سننے کو نہیں مل رہی جو 1965 میں, یا میں اگر اس سے پہلے کی بات کروں تو میں ریڈیو کی بات کروں, اصل میں اردو جو سیکھی گئی, جو سکھائی گئی ہمیں, وہ ریڈیو نے سکھائی. صحیح بات. ٹیلی ویژن کی پاکستان ٹیلی ویژن میں جو ابتدا ہوئی وہ ریڈیو کے لوگوں نے آ کے اس میں حصہ لیا, اور اس کو لاہور میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سے ٹیلی ویژن شروع ہوا ریڈیو کے پاکستان کے پاس ساتھ, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو راولپنڈی میں شروع ہوا وہ ایک ٹوٹی ہوئی بیرک تھی, وہ ایسی بیرک تھی جس میں وہ پوری ٹیم, پورا عملہ, پورے آرٹسٹ وہ اس میں موجود ہوا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ وہ صبح کا سما اور وہ دور تھا, 1966 کی بات کر رہا ہوں, 15 جنوری 1967 کو پاکستان ٹیلی ویژن کا باقاعدہ افتتاح کیا کس نے, فیلڈ مارشل ایوب خان نے چکلالے میں, اور وہ وہاں سے ابتدا ہوئی اس بیرک میں. اور آج ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں میں کہ کراچی, لاہور, پشاور اور اسلام آباد میں ایسی ایسی عمارتیں اور ایسے ایسے لوگ, یہ تو لگژری ہے نا جس میں یہ بیٹھے ہیں, جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسٹوڈیو تو لگژری ہے. میں موازنہ کر رہا ہوں اس کا 1967 سے جب ابتدا ہوئی, تو جب ہم بیٹھتے تھے جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بیرک تھی جس میں وہیں پہ خبریں ہوتی تھیں, وہیں پہ بچوں کے پروگرام کا سیٹ لگ جاتا تھا, وہیں پہ ڈرامے ہوا کرتے تھے, وہیں پہ سب کچھ ہوا کرتا تھا, اور آرٹسٹ بھی کم تھے, اور وہی مختلف ہم نے سنا ہے کہ رول بدل کے, مطلب آپ نے خبریں بھی پڑھی اور ساتھ ہی بیچ میں ڈرامہ بھی کر لیا, ڈرامہ بھی کر لیا, بیچ میں بچوں کے پروگرام کے میں میزبان بھی بن گیا, کوئی نہیں آئے شیروانی اتار کے بچوں کے پروگرام میں آ گئے. اچھا مجھے یاد ہے وہ 50-50 کا خاکہ کہ وہ کہتے تھے وہ شیروانی ایک ہوا کرے تھے, واقعی یہ صحیح بات, یہ صحیح بات ہے, جو وارڈ جسے کہتے ہیں وہاں پہ وہ ٹنگے ہوئے ہوتے تھے, تو وہی لوگ پہن کے آ جاتے تھے مختلف, اگر وہ نیوز کاسٹر ہیں بعد میں تو ظاہر ہے پھر تو. اچھا اظہر صاحب, کوئی آپ کی پورے اس کیریئر کا کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا بلنڈر, کوئی ایسی کوتاہی جو کہ آپ آج تک نہ بھولے ہوں کہ کیا ہو گیا, اس وقت بظاہر پریشانی تھی لیکن اب ہنسی آتی ہو مڑ کے. توثیق, میں ابھی وہ بچوں کا یہ ان سے وہ سن رہا تھا کہ میرے بچپن کے دن لوٹا دے مجھے, کتنے اچھے دن تھے وہ, تو وہ دن وہ میرے ذہن میں وہ پورا نقشہ سال ہا سال سے, کیونکہ یہ دو چار برس کی بات تو نہیں, نصف صدی کا قصہ, یہ تو نصف صدی کا قصہ ہے اور نصف صدی سے بھی زیادہ ہو چکا. کہاں 1955 کے, 54 برس ہو گئے, 54 تو ٹیلی ویژن کو ہوئے, اس سے پہلے ریڈیو, ریڈیو کا, ہاں آپ کا قصہ تو تقریباً پوری صدی کا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ 65 کی وار ہم نے کور کی, پہلا کنووکیشن جو پی ایم اے کا کول کا تھا جس میں جنرل موسیٰ, یہ تو اب میرے بھی بچپن کی باتیں کر رہے ہیں, پہلا کنووکیشن پی ایم اے کا کول کا, وہ اب یہ تو ان کا بھی بچپن ہے, یہ تو یہ جو باب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ, لیکن اتنی خوشی ہوتی ہے توثیق, آج بھی لوگ جو
जी चाहे कहें, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन अपनी जगह कायम है और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। लोग आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और बहुत से हमारे साथी हमसे बिछड़ गए और शायद हम दो चार लोग रह गए हैं उस दौर के जब से टेलीविजन की इब्तिदा हुई थी। तो ये एक आप कह रहे हैं कि गलतियां तो इंसान है, हर इंसान से कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई हिमाकत जरूर हो जाती है, यही लुत्फ है हुस्ने जिंदगी, लेकिन वो भी अगर वो उससे सीखता है, हाँ, अगर वो अपनी उस गलती को दोहराता नहीं और वो मान लेता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, जो आज नहीं मानते। असल बात मैं आपको बताऊं, अगर ये इंसान मान ले कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं और फिर उसको दोहराए नहीं और उससे सीखे कि नहीं अब तो नहीं होनी चाहिए, ये अप्रोच आप समझते हैं कि ये अप्रोच अब नहीं कुरतुलन, कोई ऐसा ब्लंडर, कोई ऐसा वाक्या, क्योंकि हमारा ये ब्रेकफास्ट एट होम है, एक्चुअली वही प्रोग्राम है जो आपका प्रोग्राम है जो हम आगे इसको चला रहे हैं डिफरेंट नाम से, इसके बहुत से नाम बदले, पहले आज हुआ करता था रोशन पाकिस्तान, फिर रोशन पाकिस्तान, फिर जब मैं इसको किया करता था राइजिंग पाकिस्तान, और भी एक नाम इसका बीच में कहीं रहा है, सो कोई ऐसा वाकया, कोई देखिए वाकया, हाँ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, अब मेरे अलावा भी उसमें लोग हैं एंड आई होप कि वो हमारे बड़े प्यारे सब दोस्त हैं, और ये वाकया मैं मेरा ख्याल है पहले भी सुना चुकी हूँ क्योंकि था लाइव ट्रांसमिशन, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि अजहर साहब कह रहे थे कि वो ये ज़माना आपके पास तो ये लग्जरी है, हम भी न्यूज़ स्टूडियोज़ में ही करते थे, वो एक छोटी सी दो कुर्सियाँ रख के वो सेट भी फ़ौरन, कई दफ़ा सुबह जाते थे तो वो हथौड़ी के साथ लग रहा होता था, कुछ चेंज अगर उसमें करनी होती थी या कुछ एडिशन करना, फटा फटा डिग गया तो उन्होंने सीधा, हाँ हाँ फटे गिर लाइव में गिर जाते थे, और ये मैं आपको यही बात क्या सुना रही हूँ कि लाइव में, हाँ कथा कलामी होती है कुरतुल्लैन, आप भी ये फरमा रहे हैं कि फट्टा गिर, फट्टे नहीं गिरते थे, चूहे छत से गिरते थे, ये मेरे बचपन की बात है, बिल्ली गिरती थी छत से, हम खबरें पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा टब रखा हुआ, गर्मी के दिन है, ऊपर फट्टा रखा हुआ है, बर्फ की सिल का सिल रखी हुई है पूरी, ताकि कुछ स्टूडियो में थोड़ी सी खुनकी हो, उस वक्त सेंट्रली एयर कंडीशनिंग का तो जमाना ही नहीं, नहीं जमाना नहीं था ना जी, तो बिल्ली आ गई ऊपर से, वो छत ऐसी थी, पुरानी बैरक थी, ठीक है, पुरानी बैरक थी जहाँ से पाकिस्तान टेलीविजन की इब्तिदा हुई, चकलाला की, और बिल्ली ऑन एयर गई कि नहीं, बिल्ली गिरती थी और चूहे गिरते थे, ये जमाना वो था कि ना हमें दिन का पता होता था, ना हमें दोपहर का पता होता था, ना हमें शाम का पता होता था, ना हमें रात का पता होता था, खुद ही कैमरे साफ कर रहे हैं, खुद ही स्टूडियो साफ कर रहे हैं, खुद ही कंट्रोल रूम में जाके मशीनें साफ कर रहे हैं, और कैमरे ये तो माशाल्लाह अब तो दौर ही कुछ और है, छोटे छोटे कैमरे, डिजिटल कैमरे, एक उंगली से आप घुमाएं, वहां तो आठ आदमी लेके कैमरे को लेके ले चलते थे, फौज चाहिए होती मूवमेंट होती थी, तो वो जमाना कुछ और था, और ये वही था कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है उन बड़े कैमरों से बनी है, एग्जैक्टली बेशक। अच्छा जी, बिल्ली चूहे से बात फट्टे तक पहुंची, वो जरा हमने ब्रेक वो पे जाने, जरा फट्टे का वाकया सुना, इशरत फातिमा खबरें पढ़ रही थी, अच्छा हम साथ साथ ही बैठे थे, इशरत साकिब उस दिन हमारी मेहमान भी थी, उन्होंने बड़े मजे के वाकया, अच्छा पता नहीं वो ये वाला नहीं सुना, ये नहीं वो सुनाएंगी, इसलिए कि इसमें बहुत मजा आया था, उनके साथ बहुत मजा आया था, क्योंकि मैं लाइव कर रही थी कंपेयरिंग और वो बैठी हुई थी, और हमारा पैटर्न ये था कि जैसे आपके मैम साथ लोग बैठते हैं तो हम उनके न्यूज़ पर चले गए, जैसे ही हम न्यूज़ पर गए तो इशरत जो है उन्होंने कहा कि मैं खबरें पेश करने लगी हूँ, जो जैसे इब्तदाइया होता था खबरों का, तो साथ ही उन्होंने आ आ आ इस तरह कुछ किया, तो पता चला कि जो नीचे फट्टा था वो बैठ गया और ऑन एयर इशरत फॉरमोस्ट फट्टे पे बैठ गई, हाँ वो कुर्सी उनकी जो है वो डगमगाई है। और कैमरा मुझ पर ऑन हो गया और मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे तो हंसी आ रही थी उनके हालात देख के, तो और वहाँ से साथ ही अब आपके पास तो ये इंटरकॉम वगैरह वो ये होता है एयरपीस होता है, इंटरकॉम होता था, तो इंटरकॉम में बस 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 वो पूरी सिटी बजाता था, वो मैंने उठाया, जैदी साहब चीख रहे तुम हंस रही हो कैमरा तुम्हारे ऊपर है, अच्छा जैदी साहब की आवाज़ भी कैमरे पे जा रही, वो इतना चीख रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम हंस तुम कवर करो कवर करो, मैंने कहा अच्छा मैंने खैर बातें करनी, अच्छा खबरें शुरू हुई और साथ ही खबरें
गिर गई। हाँ, खबरें तो वहीं रह गई ना, इशरत के साथ वो गिर गई, वो फट्टा टूट गया और मुझ पे आया और मैंने अब हंसते हुए और मुझे समझ नहीं आ रही तो मैंने कोई कुर्सियों की कहानी कर दी कि जी ये कुर्सियाँ जो है ये आनी जानी चीज है, ये कुर्सी वो। तो जमाने में अगर कुर्सियों के आने जाने के ऊपर पीटीवी पे बात हो तो नौकरी खतरे में आ जाती थी। अगले दिन अखबार का हाशिया लग गया था इसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर। वो दौर था जिसमें नौकरी का तसव्वुर नहीं था। वो ये तसव्वुर था कि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक ऐसी कौम है जिसको कोई उंगली नहीं, कोई फट्टा हिला नहीं सकता। अजहर साहब और कुरैतुल्लैन साहब, आप उस दौर की हम बातें और यादें कर रहे हैं, पिंडी बॉयज़ के जासिम हैदर और सिमल, ये हमें आज साथ साथ कुछ पीटीवी के मुख्तलिफ अदवार के लाजवाल गाने जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस वक्त फरीदा खानम साहिबा को हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। सिमल क्या सुना रही हो भी? मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, बड़ा खूबसूरत सदा रही है। मैंने पैरों में पायल बांधी नहीं, और एक और उनका बहुत खूबसूरत गाना था। बहुत से जी उनके तो लाजवाब गजलें हैं और गाने हैं जी। पढ़ते हैं जासिम हैदर और सिमल की तरफ, और अमीर अली और रॉजर फ्रांसिस भी हमारे साथ हैं। जी, गिटार और तबले पे हम शुरू करेंगे। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है चननन चन चननन चननन चननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खन खननन खननन खननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, ना कोई आरज़ू ना कोई आस है मेरे दिल, ये बता कैसा एहसास है। ना कोई आरज़ू ना कोई आस है मेरे दिल, ये बता कैसा एहसास है। दिल में अनदेखे अनजाने अरमान है, कुछ दिनों से ये नींद परेशान है। मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, क्यों सदा आ रही है चननन चन चननन चननन चननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है चननन चन चननन चननन चननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। वाह जी वाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या पुरानी यादें, पुरानी यादें। वो जहन में चेहरा जो है वो फरीदा खानम का रहा था ना, वो जो उनका और एक अंदाज प्रेजेंस एज अ स्टार। तौसीक ये ऐसी आर्टिस्ट थी, फरीदा खानम, नूर जहां, मलिका तरन्नुम, नूर जहां, इकबाल बानो, ये ऐसी आर्टिस्ट थी कि जो गाना भी उन्होंने गाया और जिस खूबसूरत अंदाज से गाया, वो आज तक जहनों में उसी तरह गूंज रहा है। और उनका अंदाज जो है वो आज देखने में नहीं आ रहा। हाँ, वो जो प्रेजेंस एज अ स्टार, मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ गायकी नहीं है लेकिन वो पूरा ऑरा जो क्रिएट है। अब मैंने पैरों में पायल बांधी नहीं, जब वो गाती थी
और ऐसे मालूम होता कि हमें हर तरफ पायल नजर आ रही है, उनकी झनकार नजर आ रही है। सही बात, क्या बात, ये कमाल था उनमें, वो एक्सप्रेशन उनके गाने के साथ साथ वो गाने की रूह जो थी निकाल के बाहर ले आती। अज़हर लोधी साहब, कुरात-उल-ऐन साहब ऐसे शख्सियत हैं कि जिनसे गुफ्तगू और इनकी पुरानी यादें तो शाम तक हम बात करते रहे, खत्म नहीं होंगी। अज़हर साहब, कुरात-उल-ऐन साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे जनाब एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और वापस आएंगे तो और मेहमान भी हमारे साथ हैं। आज ब्रेकफास्ट एट होम का ये स्पेशल एपिसोड है, पाकिस्तान टेलीविजन की आज बर्थडे है, सालगिरह है, जिसको हम मना रहे हैं कुछ ऑर्गेनिक गानों के साथ और कुछ ऑर्गेनिक शख्सियत के साथ। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं जनाब एक मशहूरिया ब्रेक, अभी मिलते हैं, रहिए मेरे साथ। आज हम कर रहे हैं जनाब हैप्पी बर्थडे टू मी, यानी कि आज पाकिस्तान टेलीविजन की बर्थडे है। ब्रेकफास्ट एट होम का स्पेशल एपिसोड है जो हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन तमाम पाकिस्तान टेलीविजन के आर्टिस्ट्स को जो शायद अब हमारे साथ है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनकी मौसीकी, उनके अंदाज़े बयां, उनकी गुफ्तगू से हमने सीखा और हमारी यादों का वो एक ऐसा असासा है जो कभी ये ख़जाना कम नहीं हो सकता, जो कि PTV का खजाना है। हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया अज़हर लोधी साहब से, कुरात-उल-ऐन अली साहिबा से, और अब हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा चेहरा जिससे मुझे शदीद लड़ाई है, गुस्सा है कि जब टेलीविज़न की इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है तो साहब मुश्ताक कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम तौसीक। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर। हमने ढूंढा उन लोगों को जो कि कभी PTV की स्क्रीन पे रूल किया करते थे, अक्सर हमें क्या रोज नजर आया करते थे, और अब बिल्कुल गायब है और तुम उनमें से एक। बिल्कुल, कितनी बुरी बात। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 14 years। सीरियसली 14 years? व्हाई? और आज जब मैं आ रही थी तो I actually felt as if I was coming home because you know this place is so familiar aur itna acha lagta tha yahan par aana bas us waqt kuch situation aisi thi kuch decisions aise hote hain jo we have to take them in all our good faith according to the situation that we are in so is wajah se us waqt decision us waqt ke liye wo faisla sahi tha us waqt ke liye wo faisla sahi tha achhi intent se kiya lekin bilkul waise ki Thank you so much. क्या memories हैं आज PTV की सालगिरह है, क्या share करना चाहूँ? तौसीक, सबसे पहले a very happy birthday to PTV और मैंने तो start ही पाकिस्तान टेलीविजन से किया था और बिल्कुल उस time पे जिस time पे नए channels शुरू हुए थे उससे पहले ही मैंने exit कर लिया, so PTV is like my mother institution, what you can say, and I love the camera, yahi sets the, aur itna yahan par acha lagta tha. We felt so protected here, jo hamare producers the, Kavalapa, Shahabuddin saab, you know, working with you, Shamoon Hashmi, Farooq Hassan, and I'm really missing both of them here today. Both of them were invited. Dono Lahore mein hain aur dono ne bahut pyar bheja hai. Farooq ke sath maine kal raat ko ladai ki. Maine kaha tumne kaha tha ki tum aaoge. And I really wanted Farooq Hassan aur Shamoon Hashmi, lekin dono is waqt Lahore mein aur aaj pahunch nahi sake. But yes, I'm happy you are remembering them. Kyunki maine sabse zyada kaam jo hai Shamoon ke sath, Farooq ke sath, aapke sath किया है, so it was one wonderful time. It was a wonderful time for sure. हम जब साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन हमारे पेरेंट की तरह है, बिल्कुल, इसने हमें, जैसा मैं आज सुबह से जिक्र कर रहा हूँ, इसने एक्चुअली हमें पांव पांव चलना सिखाया। आप क्या समझती हो कि उस वक्त की आपकी जो प्रोग्रामिंग थी वो जो क्या नाजरीन पे PTV क्या इम्पैक्ट डाल रहा होता था या क्या डाल रहा होता है, या PTV के अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री, ये माइक्रोफोन क्या करता क्या है हमारे साथ? आई थिंक फारूक, टेलीविजन इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि इफ़ इट्स यूज पॉजिटिवली इट कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पीपल, और वो जो टाइम था अब वो वाकई बहुत पुराना टाइम था, उस वक्त था ही पाकिस्तान टेलीविजन, तो लोग देखा ही वही चैनल करते थे, अभी भी देखते हैं, बट नाउ दे हैव मोर ऑप्शंस, तो उस वक्त जो भी हम बात कहते थे
जो भी यहाँ पे गुफ्तगू होती थी, जो भी हमारे मेहमान आते थे, इट यूज़ टू हैव अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड्स. क्योंकि अभी भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बात कहते हैं कि उस टाइम पे मिडीज़ प्राइम टाइम वो देखा करते थे. बट जहाँ तक मैं अपने उस टाइम को याद करूँगी, आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज स्टडिंग जब मैंने टेलीविज़न कर रही थी. तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग उस वक्त तक यू नो यू हैव अ वेरी स्मूथ सेलिंग इन लाइफ. आपका वो एक्सपोजर, वो डेप्थ नहीं होती आप में, जो कि वक्त के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ आती है. तो फिर भी उस एज में भी आई थिंक हम जितना कुछ कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की. एज अ व्यूअर क्या यादें हैं पीटीवी से? एज अ व्यूअर जो है, आई थिंक आप अग्री करेंगे कि हम सब की यादें बड़ी कॉमन है. हम जब पीटीवी को याद करते हैं तो हमें धूप किनारे याद आता है, अरे वाह, हमें तन्हाइयाँ याद आता है, हमें नाजिया जुहेब याद आते हैं, आलमगीर याद आते हैं, शेखी याद आते हैं, मोहम्मद अली शेखी याद आते हैं, तो मरीना खान, क्या बात, वो जमाना याद आता है. दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ पीटीवी, आई मस्ट से. और नाजिया जुहेब का साहब जिक्र कर रही हैं, अभी कुछ देर में भी, फौरन नहीं, कुछ देर में हमने नाजिया जुहेब को भी ट्रिब्यूट देना है. आज ऑर्गेनिक सॉन्ग्स हम साहब साथ साथ पीटीवी के पुराने गाने जो हैं वो सिमल और जासिम हमें साथ साथ सुना रहे हैं. तो अगला जो लाइनअप है वो है भी नाज़िया ज़ुहैब का, भी कुछ ऑल टाइम फेवरेट. एग्जैक्टली, हम चल के लेंगे जी छोटा सा एक मशहूरिया ब्रेक. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान टेलीविजन का एक और जाना पहचाना चेहरा हमारे साथ होगा, और इस चेहरे ने भी बहुत सा कॉन्ट्रीब्यूट किया, बहुत सा काम किया है, बहुत ज़्यादा आपको तंग इस चेहरे ने भी किया है स्क्रीन पे आके. बहुत दफ़ा आप इस चेहरे से बोर भी हो गए होंगे कि यार ये वही शक्ल रोज़ हमें नज़र आ जाती है, लेकिन ये चेहरा ऐसा है कि इसने पीटीवी की जान छोड़ी नहीं है. तो इस हम चेहरे से आपको मुलाकात करवाएंगे, एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक से वापस आते हैं तो पीटीवी की इस शख्सियत से भी आपको मुलाकात करवाएंगे. अभी नहीं, अच्छा जी क्या हो गया, अब क्यों नहीं, अभी नहीं जी, वो कह रहे हैं अभी नहीं, अभी हम ब्रेक पे नहीं जा रहे. ओके जी ना जाएं. Who has been your role model, साहब? In television. हाँ, बोलने में, एंकरिंग में जब तुमने शुरू की, किसी को देखा, किसी से सीखा, किसको फॉलो करती थी, अच्छा मैं ऐसा बोलूं या ऐसा ऐसे करूं? फॉलो एज सच नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त भी बहुत अच्छे एंकर्स थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं. उस वक्त के ज़माने में बुशरा अंसारी बहुत अच्छी थी, बट डेफिनेटली आई डू नॉट हैव दैट पर्सनैलिटी कि मैं कहूँ कि मैं और उस उन जैसे हम हो भी नहीं सकते. दैट सेंस ऑफ ह्यूमर दैट शी हैज, यू नो, मोइन अख्तर, और यू नो देन वी हैड आयशा मलिक मेरे साथ. आयशा मलिक किधर है? डू यू नो आई मेट हर फ्यू मंथ्स बैक. यार ये वो जो है ना, ये कुछ ममीज हैं, इनको मैं जरा निकालना चाहूंगा. एक तो निकाल लिया मैंने आज. आयशा मलिक को भी किसी ने पकड़ के लाते हैं. few months ग्रेट. अब जनाब हमारा मशहूरियां ब्रेक तैयार है, ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे कि जिन्होंने पीटीवी का आज तक पीछा नहीं छोड़ा. रही मेरे साथ. Welcome back after the break and welcome to Breakfast at Home. Aur break ke dauran there has been a coup. Tauseeq Haider has been overthrown and I have taken his seat. How is it possible ke janab ek purane anchor ho aur wo thodi der tak jo hai wo as a guest baithe rahe. To break se pehle Tauseeq hame bata rahe the ek aisi shakhsiyat ke bare mein ke jo Pakistan television ki jaan nahi chhod rahe. But ऐसा है कि पाकिस्तान टेलीविजन के जो व्यूअर्स हैं वो चाहते भी नहीं हैं कि वो उनकी जान छोड़ें, वो चाहते हैं उनको बार बार देखना. तो मिलते हैं तौसीक हैदर से. आदाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत प्यारा आपका शो है, बड़ा खूबसूरत आपका सेट है, इतना अच्छा आपका सोफा है, वो सारी तारीफें मैं खुद करूंगा. कैसा लग रहा है तौसीक इधर बैठ के? वैसे वाकई मैं आज पहली दफा इस सोफे में बैठा हूँ. कुछ पूरी दुनिया ही बदल सी गई है इधर, कुछ है ना, ऐसा लग रहा है हथकड़ियाँ से लग गई हैं, बेड़ियाँ से लग गई हैं.
लेकिन एक चीज है, बिल्ली दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। एक तुमने सीट मेरी ले ली, लेकिन असल जो पावर है ना वो पता क्या है, वो ये है। हाँ, वो भी ये अभी भी मेरे पास। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, I'm actually really enjoying। और ये जो तुम लोगों ने, तुमने मुकेश और फरुख ने मिल के और कमल मसूद ने जो कू किया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी। अब एज अ गेस्ट, थोड़ी देर के लिए मैं गेस्ट बना हूँ, तो हैप्पी बर्थडे पीटीवी, एंड हैप्पी बर्थडे पीटीवी का सारा क्रू जहाँ जहाँ भी आप हैं। तो तौसीक, जब हम आज बैठे हैं पीटीवी की बर्थडे पे, तो अब मैं वही सवाल आपसे करूँगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा काम किया है। तो हाउ डू यू सी यू नो पाकिस्तान टेलीविजन बैक देन और अब, और बीच में आपका इतना एक गैप भी रहा, आप भी काफ़ी अरसे स्क्रीन से गायब रहे, हाउ डू यू फील, हाउ इज़ द कम बैक? देखें, जहाँ तक कम बैक की उस लिहाज से बात है, तो सारा कैमरा क्रू भी तकरीबन वही है, मैं उसी तरह जवान हूँ, इनके मूछें सफ़ेद हो गई हैं, ये बस इतना फ़र्क आया है। 9 साल के गैप के बाद मैंने पीटीवी पे दोबारा ये ब्रेकफास्ट शो शुरू किया है, और मैं तो इतना लम्हा मौजूद में साहब रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैंने जहाँ छोड़ा था मैंने वहीं से आके पिक किया है। सिर्फ ये कि हमारे माशाल्लाह कैमराज डिजिटल हो गए हैं, द सेट्स आर मोर ब्यूटिफुल, जो प्रोग्रामिंग है वो तब्दील हुई है, अब हमारे सेगमेंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेस है, स्पीड ज़्यादा हो गई है, और जाहिर हमारी रेटिंग्स माशाल्लाह इस शो की बहुत ऊपर जा रही हैं, तो वो भी बहुत खुशी होती है। अभी 4 महीने हुए इस शो को शुरू हुए, लेकिन बहुत सी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अंडर रेटेड है पाकिस्तान टेलीविजन, उनमें से एक आम तासर, एक आम जुमला हम सुनते हैं, पीटीवी कौन देखता है। मैंने जब ये शो शुरू किया है, आई हैव रियलाइज्ड कितने लोग पीटीवी देखते हैं। सीरियस व्यूअर आपका पीटीवी देखता है, वो शख्स, वो नाजर जो सब्सटेंशियल बात, कुछ काम की बात, कुछ कंटेंटफुल बात सुनना या देखना चाहता है, वो पीटीवी देखता है। वो नाजर पीटीवी देखता है जो आज भी अपने अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपनी रवायात के साथ अपनी जड़ें जोड़े हुए हैं, वो पीटीवी देखता है। हमारा जो एडवर्टाइजिंग का रेशो है वो आप देखिए तो आपको पता चलता है कि कितनी कितने लोग पीटीवी देखते हैं। सो द पॉइंट इज के वो एक जनरल ह्यूमर भी सोसाइटी में बन गया है कि बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ फ्री मार्केट, कि जब दूसरे चैनल्स आके जो कि पीटीवी की ही एक तरह से एक्सटेंशन थे, वो आके साथ खड़े हुए, तो मेरा ख्याल है द होल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, that is the beauty. And I think competition is always good. Absolutely. Because absolutely. It helps you to improve further. Absolutely. Because when there's no competition, so you're not comparing yourself with anyone. Aur ab personally bhi aur hamari puri team bhi, we are really looking forward, isliye ki PTV ki nayi management aayi hai, Arshad Khan sahab, the managing director, and Khawar Azhar, who is director marketing and content, and many other professionals, and wo aaye hain, aur baat ye nahi hoti ki ye aaye aur ye koi jadoo ki chhadi leke aaye aur ek din mein sab kuch theek ho jayega. Ye wahi PTV ke professionals hain who have created this beautiful set. Ye wahi PTV ke professionals hain jo ke lazawal programming abhi bhi kar rahe hain. It's just ke ek thodi si channelize karne ki zarurat hai, jiske andar I think Arshad sahab aur Khawar will be very very instrumental. So I am actually looking towards a very bright future for PTV. So Tauseeq, talking about breakfast shows, you've done Rising Pakistan as well. I have done Rising Pakistan, yes, as well. I know. So how was that experience? You know, we started off with Qurat-ul-Ain Apa, and then you know, you did Rising Pakistan, Shimon did Rising Pakistan, Farooq, hum sab ne Rising Pakistan jo hai kiya hai, kaisi yaadein hai? bahut achhi yaadein thi, us cheez ki jo mujhe खूबसूरती लगती थी उस प्रोग्राम की, वो ये कि एक दिन तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे मेहमान होते थे, और अगले ही दिन एक टैक्सी वाला मेरा मेहमान होता था, और हम लोगों की जिंदगियों की पोटलियाँ खोलते थे, एंड वी वुड डिस्कवर। सो आई हैव ब्रिलियंट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ द शो, और मेरा ख्याल है कि ये जो शो है हमारा ब्रेकफास्ट एट होम, ये भी उसी की एक तरह से एक्सटेंशन है। इसमें भी जो मेहमान आते हैं उनसे हम बेसिकली द आइडिया इज लर्निंग, विच हम थोड़ी देर पहले बात करते हैं कि पीटीवी एक तरबियत का है, सो वी लर्न फ्रॉम द स्क्रीन। सो अब भी पीटीवी मेरे ख्याल वही काम कर रहा है, आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज। अच्छा जी, सबसे मेमोरेबल कोई इंटरव्यू, कोई पर्सनालिटी? अलॉट, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके इंटरव्यूज ऐसे जो कि आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि उनके साथ मैंने बात की, और उन्होंने ऐसी यादें हैं मेरे साथ शेयर की कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोइन अख्तर साहब हैं, महनाज बेगम,
नुसरत फतेह अली खान साहब, मैं वो नाम इसलिए ले रहा हूँ जो शायद अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन की एज आर्टिस्ट बहुत काम किया. सो देयर आर मेनी मेनी मोमेंट्स. बस हाँ, मैं अब इससे ज्यादा तमीज से मेहमान बन के अच्छी अच्छी बातें नहीं कर सकता. मैं चाहता हूँ मैं पूछूं तुमसे भी कुछ. सो अनीस साहब, थैंक यू सो मच. रोल स्विच करते हैं और मैं बहुत इनसिक्योर हो गया. मेरे सोफे पे कब्जा हो गया, मुझे मेरा सोफा वापस चाहिए. इट्स ऑल योर्स तौसीक. साहब मुश्ताक, मैं ये जरूर कहूंगा अगले ब्रेक पे जाने से पहले कि प्लीज हैव अ कमबैक. यू आर सच अ ब्यूटीफुल face and a beautiful mind that so I would much. like Thank to listen you. to and watch on TV. Thank you so aur hum ab janab badhenge ek organic song ki taraf, jaise ki abhi baat ho rahi thi. Nazia Suhaib ka tribute hai na Jasim ji? All right, so Simal, Jasim, Roger, Amir, it's over to you. तेरी मेरी ऐसी दोस्ती और पीडीवी के साथ यही हमारी दोस्ती है जिसके जिसका जश्न आज हम मना रहे हैं. साहब मुश्ताक, थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड. हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और मशहूरियां ब्रेक के बाद कुछ बहुत ही मजेदार किस्म के गेस्ट्स आपको मिलवाने ला रहा हूं. आज है पीडीवी की बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू मी. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. जी जनाब, वेलकम बैक. अब शुरू है असल पार्टी पाकिस्तान टेलीविजन की बर्थडे पे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने पीटीवी को अपनी सारी जिंदगी दे दी और पीटीवी के लिए बहुत से शोज किए, बहुत से अवार्ड्स लिए. इस वक्त ये जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान टेलीविजन होम इस्लामाबाद सेंटर के. लेकिन आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि पीटीवी के अंदर खासतौर पर पॉप म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक, यंग आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराना, उनको प्रमोट करना, उनको इनकरेज करना, और म्यूजिक से रिलेटेड प्रोडक्शंस के बहुत बड़े बड़े नाम हैं और उन सबको हम बुलवाना चाहते थे. लेकिन उनके नुमाइंदा के तौर पे हमने कंवल मसूद को बुलाया है. आदाब, गुड मॉर्निंग. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू एज़ वेल. सुबह सुबह उठाना आपको हमने, माजरत इसके लिए. म्यूजिक के ऊपर अभी हम बात करेंगे. अभी हमने नाज़िया ज़ुहैब को सुना, आगे भी चलेंगे. लेकिन म्यूजिक की बात हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि हम आपसे ना मिलवाते रिजवान को, रिजवानुल हक, जो कि वाइटल साइंस के हवाले से और उसके बाद एज एन इंडिपेंडेंट सोलो आर्टिस्ट भी अपना नाम बनाया, काम किया. और मेरा ख्याल है पीटीवी का वो दौर रिजवान आपके यादों में है कि जब पॉप म्यूजिक बिल्कुल नया नया पाँव पाँव चल रहा था. आई रिमेंबर एग्जैक्टली यार, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे. लेट मी इंट्रोड्यूस
On my left, ladies and gentlemen, कौन बैठा है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, एक ऐसी शख्सियत कि जिनका लाफ्टर, जिनकी पॉजिटिविटी का मैं फैन हूँ, और पाकिस्तान टेलीविजन पे इन का शो पाकिस्तान की जो ग्लैम इंडस्ट्री है, जो ग्लैमर और फैशन इंडस्ट्री है, बी इट फैशन, टीवी, फिल्म, कुछ भी, मॉडलिंग, उनको पीटीवी के ऊपर लाना, सजाना और अपने सेलिब्रिटी लाउंज का हिस्सा बनाना आसिम यार टिवाना का खास रहा है। एवाईटी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे, क्योंकि आज सेलिब्रेशन है, पाकिस्तान टेलीविजन की 54th एनिवर्सरी है, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ दीज एनिवर्सरीज फॉर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स नाउ, सो इट सीम्स कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। Absolutely. हाँ, तो बहुत खुशी होती है कि जब इस तरह की एनिवर्सरी, इस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं। ग्रेट, और हम सेलिब्रिटी लाउंज के हवाले से भी आसिम से बात करेंगे, बट लेट मी स्टार्ट विद रिजवान। हाँ जी रिजवान, क्या यादें हैं उस जमाने की जब पॉप इंडस्ट्री पॉप पॉप चलना शुरू कर रही थी और पीटीवी वाज देयर एज अ मामा हाथ पकड़। ओह माय गॉड यार, ये इट वाज फैंटास्टिक यार, वी आर टॉकिंग अबाउट 90s की बात है, और 90s में आई रिमेम्बर कंवल, माशाल्लाह आई रिमेम्बर के कंवल के हम दफ्तर रोज पहुंचे होते थे, वाइटल साइंस रोज एवरी डे मुलाकात होती थी इनसे, आइडियाज डिस्कस होते थे, आपको याद होगा, डांटती भी थी। नहीं नहीं, शी इज वेरी इंकरेजिंग, शी इज वेरी इंकरेजिंग, और मुझे याद है, आपको पता नहीं याद है या नहीं, मुझे तो याद है, सब याद है, जुनेद मरूम, हम लोग सब इनके ऑफिस में होते थे और ये आइडियाज देती थी कि देखो इस तरह करो, एक ये प्रोग्राम करो, इस तरह के गाने क्यों नहीं बनाते तुम लोग, तुम्हें ये गाने शूट करेंगे, एंड वी यूज्ड टू लिसन टू हर, वी यूज्ड टू लिसन टू हर, यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन के जो प्रोड्यूसर्स थे वो एक तरह के मेंटोरिंग कर किया कर रहे थे, दे वर मेंटर्स। नहीं नहीं, द प्रोड्यूसर्स ऑफ पीटीवी प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग द वाइटल साइंस, बिकॉज़ दिल दिल पाकिस्तान तो पीटीवी ने, पीटीवी के एग्जैक्टली बिल्कुल, और इस तरह कमल और बहुत से नाम हमें, ख्वाजा नजमुल हसन साहब का नाम, मेरा ख्वाजा नजमुल हसन है, शोएब मंसूर हैं, फरूख बशीर हैं, और कराची से सहरा काजमी हैं जिन्होंने शहकी के और इन लोगों के जो पॉप काइंड ऑफ, यू नो द लाइट पॉप दैट वी टॉक अबाउट, दिस इज हेवी पॉप नाउ, द लाइट पॉप दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पीटीवी वाज बाय सहरा and later on other producers as well, unhone sajjad ko, sajjad ali, mohammad ali shehki, alamgir and the fusion music jo alan fakir aur mohammad ali shehki tha, exactly us waqt saira ne shuru kiya back in 80s, that was saira kazmi, big hit, yani aaj hum jab coke studio ka wo concept dekhte hain fusion ka, wo back in 80s experiment ho chuka tha, bahut dafa ho chuka, fusion music bahut dafa hum kar chuke, folk and pop ko mix karke unko bana ke hum bahut dafa kar chuke, aur basics to yahi hai. aapne jo kamal ek interesting kaam kiya tha ki aapne music aur usko fashion aur glamour aur abhi celebrity lounge to aaj ka talk of the town hai, lekin rivaj ka main zarur zikr karna chahta hu. rivaj was a musical documentary, ha, and it was about like because normal documentary is something that you would just see as a documentary, you know, with background and voice and all that, but that was a musical documentary with related songs. Maslan, if you're talking about the dying arts, it was actually the dying in misal ke taur pe ab to khair dying art tange wala so we had all the songs related from Punjabi, jitni bhi Punjabi filmein, जितनी उर्दू फिल्मों के टांगे पे गाने, टांगे वाले खैर मंगदा टाइप, ये सब उसमें डले हुए थे, एंड दैट्स व्हाई इट लुक्ड इंटरेस्टिंग दैट यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल। आसिम, सेलिब्रिटी लाउंज, यस, मेरा ख्याल है इसके दो सीजंस हो चुके हैं, और कोई पाकिस्तान का बड़ा सुपरस्टार नहीं है जो सेलिब्रिटी लाउंज में, हाउ डू यू हैंडल देम, एक्चुअली नखरे कैसे उठाते हो? नहीं, नखरे नहीं है, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, बिकॉज व्हेन वी वर्क एज अ टीम, एंड प्लस पाकिस्तान टेलीविजन इज सच अ बिग नेम कि जब आप इन लोगों से कहते हैं कि यू नो पीटीवी का शो है, तो जो अदर चैनल्स पे जाने के लिए थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, वो पीटीवी का नाम सुनकर आ जाते हैं, एंड प्लस आई बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फैशन फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स, तो आपका एक रेपो भी बन जाता है जिसमें यू नो विद द मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, जो आपके ये फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके साथ एक आपकी रेपो होती है, एक कोऑर्डिनेशन होती है, दोस्ती सी हो जाती है। माशाल्लाह, आपको बेस्ट टीवी होस्टिंग का अवार्ड भी मिला लंदन में, आई थिंक दैट वाज अ
prideful moment for you ke PTV ka show jo hai? Of course, I would like to share with our audience ke last year it was 9th Pakistani Achievement Awards, jisme pure Pakistan ke channels ke har category mein nominations hui thi. So I was nominated in the TV Host of the Year Award category. Aur usme baki jo morning show host the wo bhi thi, but they chose my show and they gave me the award. And it was a big achievement for me personally and for PTV as well. Yes. Absolutely. Rizwan hamare sath maujood hai ji, aur Rizwan keh rahe hain ki ye kaisi birthday hai. ये कैसी बर्थडे है जिसमें बर्थडे सॉन्ग ही नहीं हो रहा. बिल्कुल है ना जी. सो लेट्स हैव अ बर्थडे सॉन्ग विद ऑब्वियसली हमारा ऑर्केस्ट्रा एफनी बॉयज का ऑर्केस्ट्रा हमारे साथ है, लेकिन रिजवान लीड करेंगे. ऑफ कोर्स. 1 2 3 2 Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear PTV, happy birthday to you. Wow, wonderful. May you have many many more. Many more. Inshallah. Many many more. Rizwan, kya aap samajhte hain ki Rizwan ka music bhi with time grow kiya hai, aur is waqt jo tum music kar rahe ho wo vital science ke music ki hi extension hai ya bilkul fark? Yaar nahi, it's I would say Tauseeq maine extension hi samajh le. Okay. I'll tell you why, because I've always been a melody man. And हमारे ज़माने का जो music था ABBA, Bee Gees, जो हमारी inspirations थी, वो हमेशा strong melodies पे based थी. ABBA के बगैर ज़िंदगी मुकम्मल नहीं. अब आप vital science के गाने देख लें, उसमें हर गाने में एक identity है because of the melody. Because vital science में इतने गाने हमने किए, गोरे रंग का ज़माना, सांभी सुनोनी, एतबार, तुम दूर थे, इसमें melody line बहुत strong है. तो मैंने उसी चीज़ को continuation रखते हुए मैं इस अपने म्यूजिक को लेके जा रहा हूँ जी. ग्रेट. कमल, हाउ डू यू सी द अब म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल फर्क हो गई है. आज के आर्टिस्ट को शायद पीटीवी की स्क्रीन की, एआरवाई की स्क्रीन की, जियो हम की स्क्रीन की जरूरत नहीं, नहीं है. सोशल मीडिया, डू यू एग्री सोशल मीडिया? यस आई एग्री ऑफ कोर्स, बिकॉज़ सोशल मीडिया इज कमिंग अप सो स्ट्रांगली कि इट इज प्रोबेबली गोइंग टू टेक ओवर ऑल द जितने भी आपके टेलीविजन चैनल्स हैं. हालांकि सब चैनल्स ने एक एक म्यूज़िक चैनल खोला हुआ है. हाँ. ठीक है ना. हाँ. वो खोला हुआ है और उसके ऊपर म्यूज़िक चल भी रहा होता है, लेकिन जितने म्यूज़िक लॉन्चेस हो रहे हैं रिजवान, जो कुछ भी आप मतलब नया करना चाहते हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाता है, यूट्यूब पे जाता है, ट्विटर पे जाता है, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से हिट्स होती हैं. उसके बाद प्रॉबेबली यू इट इज़ बिकम द अदर वे अराउंड. यस, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. आपको एक इंटरनेशनल ऑडियंस मिल रही है, एंड the you know inspiration is from other countries. दूसरे लोगों के म्यूज़िक बीच में मिक्स हो रहे हैं, हमारे म्यूज़िक वहाँ हो रहे हैं. शायद आपको पता नहीं कि हमारी ये बिल्कुल एक थोड़ी सी डिफरेंट बात है कि पाकिस्तान की जो कौमी तराने की धुन है वो वर्ल्ड नंबर 3 बेस्ट धुन है. हमारा जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान, वर्ल्ड नंबर 3 दुनिया भर के मुल्कों में वो 3rd नंबर पर वो मेलोडी है. सो वी आर मेलोडियसली सो स्ट्रॉन्ग. Exactly. के हम लोग वी आर सो गुड एट मेलोडी एक्चुअली. अब जो आप रीमिक्सेस भी देख रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, उनकी इंस्पिरेशन भी बिकॉज द मेलोडी वाज सो स्ट्रांग दैट यू कैन जस्ट मिक्स. और मेलोडी रूटेड है, जैसे मेलोडी इज द रूट. मेलोडी स्टिल वर्क्स, इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स. इट कैन नॉट बी यू नो रूइंड बाय एनीथिंग, इट स्टिल वर्क्स. दैट्स व्हाई बट पीपल हैव बीन ट्राइंग टू रुइन इट इन द लेटेस्ट जो चल रहे हैं, रीमिक्सेस वगैरह हैं, दे आर लिटरली डिस्ट्रॉयिंग आवर मेमोरीज. और जो हमारी एक यादें वाबस्ता हैं अच्छे सॉन्ग्स की, हमारे फोक सॉन्ग्स की, उनको जब हम सुनते हैं तो यू नो उनकी बहुत ट्रोलिंग भी होती है ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि फीडबैक तो अब बहुत पॉजिटिव नेगेटिव फौरन मिल जाता है. फौरन मिल जाता है. हाथ के हाथ आपने एक चीज अभी डाली नहीं विद इन 1 आवर आपको पता लग जाएगा. एक्चुअली वो जो है ना ट्रोलिंग, वो हमारे मरने के बाद खत्म होगी. लोगों को याद नहीं होगा कि ओहो वो असल में क्या था, नहीं ओरिजिनल क्या था. मेरा ख्याल है तब भी ना ये अब पता नहीं. और देखिये सोशल मीडिया और हमारे जो इंटरनेट की दुनिया है, जो वर्चुअल दुनिया है, वो भी इतनी तेजी से फॉर्म और रीफॉर्म हो रही है कि आई विल बी सरप्राइज्ड कि आज से इवन 5 साल बाद भी हम
ये गुफ्तगु वैलिड हो बिकॉज आप सोचें कि फ्यू इयर्स अगो हम लोग सोच सकते थे कि रात को सोने से पहले हम अपने मोबाइल पे कोई प्लेज फिल्म सॉन्ग्स वो सारा चेक कर रहे होंगे कम्युनिकेट कर रहे होंगे यू नो नहीं दिस इज एब्सोल्युटली राइट हमारा ये जो शो है ब्रेकफास्ट एट होम डेफिनेटली सुबह 7:15 होता है फिर 4 होता है आफ्टरनून में लेकिन हमें जो डेटा मिल रहा है जो ऑनलाइन इसकी व्यूअरशिप है जो आप बात कर रहे हैं रात को सोने से पहले जनाब गए क्लिक किया इसने पूरा इट हैज चेंज्ड द वे टेलीविजन इंडस्ट्री वर्क्स और प्लस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो शो है ब्रेकफास्ट एट होम इट इज वेरी डिफरेंट क्योंकि इसमें इट्स नॉट अ मॉर्निंग शो क्योंकि इसका टाइम स्लॉट डिफरेंट है और पीटीवी के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि इस तरह की चीज को हमें इनकरेज करना चाहिए बिकॉज़ इट्स वेरी डिफरेंट एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब आई मस्ट से Thank because you very people much. get up at 7 in the morning subah 7 baje se 9 baje ke beech mein I'm so school, sorry daftar main to sota hu subah 6 baje ye Kanwal kaun sa koi 7 baje nahi sota no lekin ye un logon ke liye jinke bacche school ja rahe hain jinhone subah 9 baje daftar pahunchna hai to we bring over here different people yes. doctors bhi aa rahe hain exactly. intellectuals bhi aa rahe hain writers aa rahe hain singers aa rahe hain everybody lekin jo hamara hit segment hai na ji wo hai bachchon wala ha that is very good bachchon ka segment and I tell you something you know why it's a hit Huh. Your program is very melodious. Yeah, that's true. Think about it. Achha. Yes. मैं तो bathroom singer होते हैं लोग मैं तो bathroom में तो kitchen singer भी गाने की बात ही कर रहा हूँ melodious कह रहा है मतलब ये कह रहा है कि हर चीज में सुर होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल आपके program में सुर है. अरे वाह. Unconsciously. चाहे आप गाएं या ना गाएं. है ना. बिल्कुल. वो कहते हैं कुछ लोग खाना भी पकाएं और सुरीला ना हो तो मजा नहीं आता. खाना भी सुरीला होता है. और आसिम जी जो हमारी इंडस्ट्री है माशाल्लाह वो अब इंटरनेशनल खासतौर पे फैशन की बात करें हमारे फैशन डिज़ाइनर्स का इंटरनेशनली इस वक्त एक नाम है खासतौर पे मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे फैशन डिज़ाइनर्स को इंडिया में फॉलो किया जाता है yes. और उनको ख़रीदा जाता है और पहना जाता है और बड़े फख्र से कहा जाता है ओ आई एम वेयरिंग फ्लाम फ्लाम फ्राम पाकिस्तान how do you see the industry in 5 to 10 years from now? अभी भी मैं आपको बताऊँ कि looking back around like 10 to 15 years ago तो इतना एक्सपोजर नहीं था पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का बट ऑल दीज डिज़ाइनर्स दे हैव स्टार्टेड वर्किंग वेरी प्रोफेशनली दे आर डूइंग फैशन वीक्स नाउ अब साल में चार छः फैशन वीक्स होते हैं लाहौर इन कराची उसमें बाकायदा बायर्स आते हैं मैगजीन के ब्लॉगर्स आ रहे होते हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर कलेक्शन जो है उनके स्टोर में उनके सीजन के लिए पहले फैशन शोज़ होते थे फॉर एंटरटेनमेंट ओनली कि यू नो कोई इवेंट हो रहा है कोई फंड रेजर हो रहा है उसमें किसी एक फैशन डिज़ाइनर की कलेक्शन दिखा दी बट अब प्रॉपर तरीके से एक जैसे एक फैशन इंडस्ट्री ब्लॉसम करती है उस तरीके से है एंड वी हैव बिग नेम्स लाइक उमर सईद फराज मनान यू नो दे आर डूइंग सो वेल कि उसमें जो है दे आर डूइंग वेडिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके ब्राइडल्स जो हैं हर जगह जा रहे होते हैं एब्सोल्युटली कमल हाउ डू यू सी द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री In the coming years, खासतौर पे vis-a-vis PTV. PTV क्या अपना किस तरह से रोल आप देखते हैं कि अदा कर सकता है या अदा करेगा आपको याद होगा PTV was the when it was the only channel हम लोगों के पास हर तरह के genre का music होता था ठीक है ना एक 7 o'clock we used to have a light pop music और रात को राग रंग अब आई रियली वॉन्ट कि हम राग रंग टाइप का प्रोग्राम शुरू करें देखिए ना दे आर हमारे बच्चों को सुर का पता ही नहीं है और हर चीज़ आप कंप्यूटर में डालते हैं आप सुरीले हो जाते हैं जो बच्ची बैठी है इसके बाप को और उसके दादा को आप देखें दे आर घराना हू हैव कंटिन्यूड दिस सिंग आई एम सो हैप्पी दैट नफीस डॉटर इज सिंगिंग लेकिन द थिंग इज़ कि आगे बच्चों को पता भी नहीं है कि हामिद अली खान क्या गाते हैं और इनको हमारा उस्ताद होना चाहिए या इन लोगों ये भी कोई एक चीज़ है जो बल्कि देर वॉज अ पीरियड अब तो फिर थोड़ा सा बाकी मैं प्रोग्राम्स प्राइवेट प्रोग्राम्स का नाम लूँ उसमें इन लोगों ने आके थोड़ी सी इनकी रिस्पेक्ट बनी एंड देयर यू सी द कंपैरिजन एक नया लड़का गा रहा है और एक पुराना सिंगर गा रहा है आपको फर्क पता लग गया हमारा जैसे प्रोग्राम है तौसीक वर्सा You know, Virsa is excellent. अगर पाकिस्तान टेलीविजन के दो प्रोग्रामों का यहाँ म्यूजिक के हवाले से जरूर जिक्र करना चाहेंगे जो आज भी इस लेंस को लेकर चल रहे हैं जो कमल कह रही है एक विरसा और एक रात गए रात गए और कोई भी नहीं कम लाइव सिंगिंग तो हो रही है ये देखिए पीटीवी का ये फायदा है ना कि हम लोग कम्प्लीटली मार्केट बेस्ड नहीं है बिकता है बिके नहीं बिकता ना बिके लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टू बी शोन टू पीपल ये एक चीज
जिंदा रखने के लिए हमें करनी है। कंवल, रिजवान, आसिम, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर अस। व्हाट डू यू मीन? अभी तो मैंने बताया नहीं कि शहनाज शेख मेरे शो पर आई, मरीना खान मेरे शो पर आई, रुबीना अशरफ, आई ब्रॉट ऑल दीस जफर, अली जफर, ऑल दीस बिग नेम्स जो पीटीवी के नाम हैं, उस्मा गिलानी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज देयर। और वो उनको बुशान सारी अतीका, और क्या क्या नहीं बताया तुमने, जल्दी से जल्दी से बताओ कि भाई जो सेलिब्रिटी लाउंज है, वी आर वर्किंग ऑन इट्स थर्ड सीजन इंशाल्लाह, एंड जितने स्टार्स हैं, जो पीटीवी के स्टार्स हैं, मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं उनको दोबारा स्क्रीन पे लाऊं। और आपने हमें जरूर बताना है कि आसिम आज कैसा लग रहा था। हाँ, ये बहुत जरूरी है, प्लीज हमारी जो मैं वेबसाइट तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा भी बताना। नहीं, आपका इसलिए मसला नहीं है कि ये तो बेचारा तीन दिन से सोया नहीं है कि मैं कैसा लगूंगा। कल रात को आपने मुझे बताया कि सुबह आने, तो हम आ गए, तो हम तीन दिन कहाँ से रहेंगे। थैंक यू सो मच, ये हंसी मजाक इसी तरह चलता रहेगा। हम चलेंगे जनाब, अब वाइटल साइंस के लिए ट्रिब्यूट है। वाइटल साइंस की मैं बात नहीं कर सकी, लेकिन आई वॉज द वन हु डिड देयर फर्स्ट सॉन्ग एक्चुअली। चेहरा मेरा था, चेहरा मेरा था वॉज द फर्स्ट सॉन्ग। आई वॉज द स्टूडेंट इन अकेडमी, हमारी अकेडमी बड़ी अच्छी होती थी, छह महीने के हमारे प्रोग्राम में। It was a hit song. The first, but it went on air after Dil Dil Pakistan. Because Dil Dil Pakistan. लेकिन actually introduce करना जैसे कहते हैं। उनको लाना, उनसे रोमन में उर्दू लिखवाना, उर्दू लिखवा के उनको गवाना। No, no, कुछ भी नहीं। फिर बच्चे थे ना उस वक्त, they were 19, 18 year old boys doing concerts. Great, चलें जी जनाब सुनते हैं tribute to Vital Signs. से हम हुए जवान, जाने खो गए कहां, शर्माने घबराने वाली लड़कियां, पायलों को छोड़िए, चूड़ियों को छोड़िए, कानों में ना ढूंढिए अब कोई बालियां, होंठों पे ना ढूंढिए अब खामोशियां, दिल ढूंढता है वो ही जमाना, जिसका सुनना दिल चाहता है वो ही जमाना, जिसका सुना हमने देखा नहीं, सावन के झूले गए, मेहंदी की रातें गईं, छुप छुप के खत लिए छत पे आना गया, वो रातों को जागना और तकियों का भीगना, आंखों से वादे से कसमें गई, चाहत में जान देने की रस्में गई, दिल ढूंढता है वो ही जमाना, जिसका सुना हमने देखा नहीं, दिल चाहता है वो ही जमाना, जिसका सुना हमने देखा नहीं, की बात आज हम मना रहे हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और मशहूरिया ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे उस चेहरे से, उस आवाज से जो 1964 में जब टीवी शुरू हुआ तो सबसे पहले दुनिया ने इन्हें देखा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम पीटीवी की सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू मी, इसलिए कि हम ही तो हैं पीटीवी, हम ही हैं तो पीटीवी की प्रोजेक्ट। आज के इस सेगमेंट में मेरा साथ दे रहे हैं दो पीटीवी के ऐसे चेहरे के जो आइडेंटिटी है,
पाकिस्तान टेलीविजन की, एक चेहरा तो ऐसा कि जो सबसे पहले टेलीविजन की स्क्रीन जो पाकिस्तान में ओपन हुई तो इस मुस्कुराती हुई लड़की को लोगों ने देखा जो कि आज तक मुस्कुरा रही है। कंवल नसीर साहिबा, आदाब, गुड मॉर्निंग। जीते रहिए आप। और सुबह में बहुत खुश हुई एक बात पे कि एक तो खैर पीटीवी की सालगिरह है तो तौसीक ने ओपनिंग में कहा कि आज मुझे मुबारक हो, तो आपको मुबारक हो, आपकी उम्र तो पता चल गई, चले आपने मान ली। और मुझे इसलिए मुबारक हो कि मेरी उम्र कम हो गई क्योंकि आपने कहा हम सब की बर्थडे। हाँ, मैंने कहा हम सब आज 54 साल के हो। हाँ बिल्कुल, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे साथ कमलाबा के अलावा एक और ऐसा पीटीवी का चेहरा मौजूद है जो कि अगेन पीटीवी की आइडेंटिटी, अनवारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। अनवार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। जैसे कमल आपा ने भी कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है और हम तो उसकी ओनरशिप भी लेते हैं और एक एसोसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बन गई है कि जैसे आपने खुद कहा कि सिनोनिमस हो गया पीटीवी और हम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगरचे मैं 54 का नहीं हूँ लेकिन पीटीवी के साथ एक तवील वाबस्तगी है और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। आपका तो शो भी इट्स मोर देन 10-12 जी years. ये तौसीक भाई 26 जुलाई 2003 को हमने शुरू किया था। तो अब आप देख लें कि 2018 में है और आज 26 नवंबर है। कुछ बुजुर्गी का सा एहसास होता है ये बात मेरे होते हुए नहीं पूछना चाहिए कि भाई हम पहले मिनट से वहां थे तो फिर बुजुर्गी का एहसास तो सबसे ज्यादा मुझे होना चाहिए। अच्छा उस पहले मिनट की यादें तो आपने इतनी दफा शेयर की है कि उस पे हम कोई नहीं। हाँ। मैं कमल नसीर साहब आपसे मैं डायरेक्टली ये पूछना चाहूंगा जी बेटा, इस वक्त जो एंकरिंग पूरे होराइजन पे हो रही है, सर्फिंग करने लगे तो समझ नहीं आती कहां जाके रुके जी, जनरली क्या कहना है? और जैसा कि मैं इब्तदाई में बात करता पीटीवी ने हमें सिखाया कि क्या नहीं कहना है, क्या इस चीज का फर्क कायम रह गया है अभी तक? तौसीक, मैं कभी किसी पे मैंने तनकीद नहीं की है क्योंकि हर एक का एक अंदाज़ होता है, लेकिन पिछले दिनों मैं एक किसी एक फंक्शन पे थी तो एक बच्ची जो उनकी रिपोर्टर थी उनने आके मुझसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके दौर में और हमारे दौर में क्या फ़र्क दौर तो मैंने कहा कि बेटा यही फ़र्क है। वाह वाह वाह। यही फ़र्क है कि हम ज़रा मार खा के आए थे रेडियो से और फिर इतनी ज़्यादा इन 54 बरस में, तो खैर हम रोज़ सीखते हैं, मैं आपसे सीखती हूँ, अजहर अभी आपके पास बैठे थे मैंने उनसे सीखा, मतलब हम सब ने एक दूसरे से मिलजुल के सीखा, लेकिन ज़बान को उर्दू ज़बान को दुरुस्त, मतलब आपका ज़रूर एक एक्सेंट होगा लेकिन उसको दुरुस्त रखना एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो है ना तोर 9 बजे हैं ड्रामा, ये इन बातों पर फिर चैनल्स को ख्याल रखना चाहिए ना, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है ऐसी, तो हम लोगों ने क्योंकि हमारे पास हम तो खैर इब्तिदा थे, तारिक की उर्दू बहुत अच्छी थी, हालांकि असलम अजहर साहब तो अंग्रेज़ी में बताते थे और हम उसको तर्जुमा करते थे लेकिन हम बेटा अब तक सीख रहे हैं और सीखना ही सीखते सीखते ही चले जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं होता, कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि अब हम परफेक्ट हो गए, हम तो इतने बरस हो गए भाई, हम वहाँ पहले दिन से थे, 54 ईयर्स हमने ये किया है, हमने वो किया, नहीं, मैं अब भी सीखती हूँ। आप मुस्कुराते हो सुबह, आप वो गिटार बजाते हैं, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। और फिर ओनरशिप जैसे कहा निवार ने, वी हैव टू ओन दिस, इसकी इसकी कहीं ना कहीं इसकी जो ईंटें हैं उसमें हमारा खून भी शामिल है। अनवार, आपका चेहरा इज सिनोनिमस टू, मतलब सर्फिंग करते करते अनवारुल हसन आ जाए तो ऊपर लोगों की जरूरत नहीं है कि ये पीटीवी न्यूज़ है। हाँ, ये कैसी फीलिंग है कि आपकी शख्सियत एक इदारे की शख्सियत में जम हो जाए? तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है एंड आई फील वेरी प्राउड ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी फैमिली भी है, कभी हम कहीं बाहर जाएँ, अभी रिसेंट पास्ट में हम उमरा करने गए थे और आप हैरान होंगे कि मस्जिद नबी से जब मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकलता था, चूँकि पाकिस्तानी ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ मौजूद थे और मुकामी जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो भी आए हुए थे, फिर दूसरी जर्मनी और इंग्लैंड वगैरह से भी, वो जो रिकग्निशन होती है और वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एसोसिएट जब करते हैं तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि वो जितनी आपका, जैसे आपने कहा एक बुजुर्गी का एलिमेंट भी आ गया, इट किक, इट गिव्स यू अ किक, वो आपको मज़ीद काम करने के लिए और इंस्पायर करती है। लेकिन आपको पता है आपकी मेरी शख्सियत में से एक चीज अगर निकाल दी जाए तो हमें सड़क पे जाता वक्त कोई शख्स एग्जैक्टली सलाम भी ना करे, वो पता क्या है, वो क्या चीज है? यस करे, आपकी और मेरी मुझे
दो नहीं वैसे कुछ अरसा तो आपने मेरे ख्याल में मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था क्योंकि जब मैंने अब मैंने जब टीवी की दुनिया को खैर बात कहा तो वो फिर एक सवाल होता था आप टीवी पे आप क्यों नहीं आते तो मैंने उससे बचने के लिए मुझे साफ कर दी कमल आपा नोबडी वुड रिकॉग्नाइज मी आई वाज अ डिफरेंट पर्सन और अनमार के साथ भी यही हो अच्छा ये सब बहुत पूछते हैं कि आजकल आप नजर नहीं आते भाई अब हम कैसे नजर आए कोई प्रोग्राम होंगे तो हम नजर आएंगे और मैं एक बात तो आपको अच्छी लगे इतने 54 इयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माशाल्लाह इतना नया टैलेंट है ये यंगस्टर्स को हम देखते हैं दिल खुश होता है यू नो दे हैव गॉट सो मच ऑफ टैलेंट और लेकिन एक बात है कि आर्टिस्ट के लिए आज तक किसी ने कुछ किया ये मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि अगले साल शायद हम ना हों चले गए जो हमारे साथ पिछले बरस थे प्रोग्राम में उसमें से एक कम है किस तरह तो अब हमने जाने का वक्त है लेकिन ये मैं कहूँगी गवर्नमेंट को भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी और पाकिस्तान टेलीविजन को कि वाहिद एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाले यही लोग हैं ठीक है म्यूज़िक में अदब में शायरी में ड्रामे में बोलने में तो इनके लिए भी कुछ कीजिए और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ आपने चूँकि पाकिस्तान टेलीविजन की बात की पी टी वी का एक बहुत ज़बरदस्त पास्ट ग्लोरी है ताबनाक माजी है हाल अच्छा है लेकिन मैं चाहूँगा कि हमने बात की भी मौजूदा मीडिया की भी पीटीवी को चाहिए कि उस कंपटीशन में रहे क्योंकि मेरा ताल्लुक पीटीवी न्यूज़ से है और आपको पता है पाकिस्तानी आवाम जो है वो न्यूज़ चैनल की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी रगबत भी है तो पीटीवी को वो जो कम्पिटिटिव एज हासिल होना चाहिए टेरिस्टियल होने का उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और मेरे ख्याल में चाहे वो टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग यकीन करें तौसीक छोटे छोटे चैनल्स हैं आप मैं फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ वैसे चैनल्स बहुत बड़े हैं वो भी हमारे नेशनल मीडिया ही है लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारे ब्रॉडकास्टर का रोल है अपना रोल हम ना छोड़ें मतलब उनकी उसमें जो सेंसेशनलिज्म में हम ना पड़ें लेकिन लोगों को फैक्चुअल बरवक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स वो ज़रूर हमें दिखाना चाहिए आई थिंक यू हैव ब्रॉट दिस अप आज हम जी के सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करनी चाहिए ये जो पॉइंट आप लेके आए हैं अभी अगले सेगमेंट में पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर अरशद खान साहब मेरे मेहमान होंगे और डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू कि इस बात को मैं उनसे लेके आगे चलूंगा कमल आपा सिमल और जासिम हैदर पिंडी बॉयज के रॉजर फ्रांसिस और अमीर अली आज हमें लाइव ऑर्गेनिक सॉन्ग्स पी टी वी के अपनी प्रोडक्शन और अब मेरा ख्याल है मैडम नूर जहां का ट्रिब्यूट है तरन्नुम से जी तो जनाब शेयर कीजिए हमारे साथ बहुत मुश्किल गाना है और आपने इतनी खूबसूरती से गाया वेरी नाइस ये बातें जब हम पीटीवी की कर रहे होते हैं सालगिरह की आपके लिए तो एक पूरी एक फिल्म चल जाती होगी आंखों के आगे ना इमोशनल रोलर कोस्टर आई थिंक
ये कहा ना हिना की खुशबू महक रही है, तो मुझे वो पहले दिन की जो वो थी ना एक इलेक्ट्रिक सिस्टम उस वक्त का कि हम लोग टेंट हुक्स पे बैठे थे कि या अल्लाह ये दिन कैसे गुजरेगा, ये हम क्या करेंगे, ये बत्तियां जलेंगी, ये कैमरे चलेंगे, तो हम कहाँ किधर क्या करेंगे, लेकिन करते करते बस अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। और आपके जो साथ वाले होते हैं ना, मैं सब बच्चों को कहूँगी कि एक बाहमी एहतराम दिल में रख लीजिए, अपने बड़ों की इज्जत करना आपकी इज्जत है, यू नो आप बड़े हो जाते हैं कितनी अच्छी बात। जब आप लर्निंग कर्व यही रहता है, लर्निंग कर्व है, इट्स यू नो हर दिन आप एक सीखते हैं और एक दूसरे से, और ये तो है भी टीम वर्क सबसे ज्यादा। exactly. आप मौजूद है कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे बहुत से लोग मौजूद हैं, स्टूडियोस में मौजूद हैं, अगर टीम सही जेल करे तो अच्छा प्रोडक्ट आता है। अनवर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी, पीटीवी न्यूज, ऑल ऑफ यू, आपके तमाम कॉलीग्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। यहाँ से आपने होम से जब न्यूज पे जाना है तो हमारी तरफ से बहुत से मुबारक। जरूर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा ब्रेक, मशहूरियाँ ब्रेक जिसे हम कहते हैं, और मशहूरियाँ ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अभी सेलिब्रेशन और सारी बातें हो रही हैं। आज सुबह हमने बच्चों से जब कहानी शुरू की तो होते होते कंवल नसीर साहब तक हम आए, और अब हम चाहेंगे कि एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर अरशद खान साहब को हम अपना मेहमान बनाएं और उनसे कुछ बात करें कि पाकिस्तान टेलीविजन इस वक्त कहाँ है, उसका जो ताबनाक माजी गोल्डन एरा जिसका अनवार अभी जिक्र कर रहे थे उसकी भी कुछ बात होगी, और ख़ास तौर पे हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या विजन है जो वो लेकर आए हैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, और साथ साथ आपको पता चलेंगे जो ठा पठा हो रही है ये और कुछ नहीं है, तो सिर्फ बलून्स हैं, और वो बर्थडे ही क्या जिसमें बलून्स ना फटे और आवाज़ें ना तो ये बलून्स बट रहे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह आज हम मना रहे हैं। इस खास सेगमेंट का आगाज मैं एक ऐसे खत से करना चाहूँगा जो आज अपनी सालगिरह पे पाकिस्तान टेलीविजन ने हम सबको लिखा है, और ये खत आज के लीडिंग अखबारात, अंग्रेजी उर्दू अखबारात में छपा भी है। इस खत को पढ़िए भी, लेकिन अगर आपकी अखबार तक रसाई नहीं तो पीटीवी अपनी सालगिरह पे हमसे क्या कहना चाहता है, मैं ये ऑनर महसूस करूंगा, फख्र महसूस करूंगा कि मैं वो खत आपको पढ़कर सुनाऊं, और साथ साथ स्क्रीन पे आप देखेंगे। देखिए तो कि जिसने हमें पांव पांव चलना सिखाया, जिसने हमने बोलना सिखाया, क्या कहना है क्या नहीं कहना ये बताया, ये सिखाया, वो आज हमसे डायरेक्टली हमसे मुखातिब होकर क्या कहना चाहता है। पीटीवी का खत हम सबके नाम। 26 नवंबर 2018, मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी पहली मुलाकात तो याद होगी, उस स्याह सफेद में कितनी रंगीनी थी। मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे गले लगाया तो मैंने आपके ही रंग अपनी तस्वीर में भर लिए। खैबर ने अपनी शुजात, इंडस ने इंसान दोस्ती, रावी ने अपने वलवले और बोलान ने अपनी मेहमान नवाजी से अपना अपना रंग दिया। फिर हम उर्दू के साथ साथ पब्लिक से 5 जबानों में बात करने लगे। वक्त ने हमें बांध दिया, हमने कितनी रातें इकट्ठे जाग कर काटी, हम दुख सुख बांटने लगे, दुनिया हमारे सितारे रश्क से देखती, हमारी दोस्ती केटू की ऊंचाइयों को छूने लगी। हम पाकिस्तानी रवायात के वारिस होने के साथ साथ तन्हाइयों के अंधेरों उजालों के साथी बन गए। 92 में अगर हम कामयाबी में साथ छूमे तो 2005 की अफरियत का समा भी हमने कांधे से कांधा मिलाकर काटा। 7 दिन 24 घंटे का साथ बना और ये रिश्ता सच की तरह अब तक कायम है। जिंदगी ने मुझ जैसे नातवां पौधे को आपकी मोहब्बत से सायादार तनावर दरख्त बना डाला, जिसकी शाखें हर रोज हर सू फैली आपको राहत बख्श रही हैं। किसी शाख से कहानी सुनाई जा रही है तो कोई खबर पर नजर रखे बैठा है, कहीं से जियो और जीने दो की सदा बुलंद हो रही है तो कोई एहसास को इजहार के बोल दे रहा है, और किसी ने बनाया है आपसे रिश्ता प्यार का। नई सुबह का आगाज है, सब उजाला सब नया दिखाई दे रहा है, और हमारा साथ आज भी
ताज़ा फूल की तरह महक रहा है। आपकी मोहब्बतों का कैपिटल हमारा सरमाया है। ये निस्फ सदी का किस्सा है, दो चार बरस की बात नहीं। आपकी इनायतों का शुक्रगुजार और हमेशा का हम सफर आपका अपना पाकिस्तान टेलीविजन। ये खत है, खुला खत, जो पीटीवी ने हम सबको आज अपनी सालगिरह पे लिखा है। और इस खत के साथ ही मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू के सिलसिले को आज सुबह से जो हमने महफिल सजाई है उसको आगे बढ़ाएं। और पीटीवी के मैं कहने लगा हूं नए एमडी, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा है नए तो नहीं, इतनी दो बार पहले भी पाकिस्तान टेलीविजन की सरबराही को संभाले रहे हैं, मोहतरम अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तौसीक। ये पीटीवी का खत तो हम सब के लिए, इस खत को बुनियाद बनाते हुए मैं आपसे अरशद साहब सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि एज अ चाइल्ड, जब आप छोटे थे, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपकी पीटीवी की एज अ व्यूअर क्या मेमोरीज है? अगर आप पहले इजाज़त दें तो आज पीटीवी की 54th एनिवर्सरी है। एब्सोल्युटली। तो मैं आपके तवस्से से तमाम नाज़रीन को, तमाम आर्टिस्टों को जो किसी भी शक्ल में पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रहे, तमाम मेरे कोलीग्स को, माजी के लोगों को या हाल के लोगों को, उन तमाम को पाकिस्तान टेलीविज़न की 54th एनिवर्सरी पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को, इस इदारे को इसी तरह फलता फूलता देखता रहे। आमीन आमीन। तौसीक, 1964 में जब टीवी शुरू हुआ तो हम दायरे छोटे थे, मुझे याद है वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्विस में थे तो हम एक गवर्नमेंट की कॉलोनी में रहते थे, तो जब पहला टेलीविज़न आया लाहौर में उस आबादी में, तो उसको वहाँ के कम्यूनिटी सेंटर में रखा गया। और वो कम्यूनिटी सेंटर जो है वो रोज़ाना के बेस पर पासिस इशू करता था कि आज कौन से जो कॉलोनी के घर हैं, हाँ, वो आज टेलीविज़न देख सकेंगे। बारियां लगती थी। तो मुझे याद है कि हम भी अपनी बारी पे एक दफ़ा वहाँ टेलीविज़न देखने गए। तो सबसे पहली मेमोरी, बिल्कुल नहीं याद है, सच्ची बात है, आई कुड नॉट रिमेम्बर कि उस वक्त क्या देखा। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद फिर 65 की वॉर, वो तो आपको वॉर के सीन्स भी और वो जो तराने उस वक्त के थे वो तो किसी को नहीं भूल सकते, या इलेक्शन का ज़माना। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जब से फिर टेलीविज़न घर में आया तो एक घर का हिस्सा बन गया और हम पाकिस्तान को टेलीविज़न की नज़र से देखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके हमारे टेलीविज़न के जो ड्रामा होते थे उस वक़्त, वो आज की तरह नहीं कि कराची में एक घर में बैठ के तो ड्रामे बन रहे हैं, 100-100 ड्रामा कराची में ही शूट हो रहा है। उस वक्त के ड्रामे एक्चुअल ज़्यादा लोकेशंस पे होते थे और आप टेलीविज़न के थ्रू पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट सूबों को, डिफरेंट इलाकों को देख सकते थे कि लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, यू नो, क्या सकाफतें हैं पाकिस्तान। सोशल मीडिया तो उस वक्त था नहीं। आप जनाब गूगल करें और लिखें गिलगित बल्तिस्तान हुंजा तो आपको विजुअल्स मिल जाएंगे। और फिर दूसरा ये है कि ड्रामे भी ऐसे होते थे कि मेरा एक, मैं कहूँगा अगर कह लूँ कि कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक है, तो एक फैमिली एंटरटेनमेंट होती थी जिसमें ये झिझक बिल्कुल भी नहीं होती थी कि कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो आपके वालदैन बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, तो बग़ैर किसी झिझक के आप बैठ के प्रोग्राम देखते थे। मेरे वाले साहब भी देखते थे, वालदा भी देखती थी। यार तो ये रिवायत तो अरशद साहब मेरे ख्याल साथ साथ हम आज की बात भी अगर करें, हाँ, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान टेलीविज़न का ड्रामे ने इस उसूल को हिलने नहीं दिया अपनी जगह से कि जो फैमिली व्यूअरशिप वाली। हाँ, पाकिस्तान की टेलीविज़न की हद तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, हाँ, तो बहुत तब्दीली आ गई है। हमने अपनी वैल्यूज़ को, अपनी बहुत सी चीज़ों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। डब्ड प्रोग्राम्स की भरमार है इस वक्त टेलीविज़न की इंडस्ट्री में, तो लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि वो उसने अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, पीटीवी के इदारे के अंदर दो मुझे लगता है कि दो पिलर्स मुझे नज़र आते हैं। एक तो टेक्निकल साइड का कि हमारे कैमरे, हमारी ये लाइट्स और ये स्टूडियोज और ये सारी इक्विपमेंट और जनाब डिजिटल सिग्नल है कि एनालॉग सिग्नल, एक वो कहानी है। लेकिन असल असास आप क्या समझते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा टेक्नीशियन है, जो कैमरे के पीछे से खड़ा कैमरामैन है या इंजीनियर्स, उस हवाले उसकी क्या कंट्रीब्यूशन आपके ख्याल में रही विद टाइम, क्या हमने इवॉल्व किया? मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे में उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होती है। देखिए, टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर हैं, लेकिन वो पैसे से ख़रीदी जा सकती है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है ना,
वही उस टेक्नोलॉजी या उस एसेट का सही या गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान टेलीविज़न का असासा रहा है इसके लोग, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान टेलीविज़न ने पैदा किए। और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज जितनी पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसमें आपको हर जगह हर शोबे में पाकिस्तान टेलीविज़न के लोग मिले। एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन मैं ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद हमने जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स में उतना इन्वेस्ट या उतनी तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्लान्स में है, हमारी विजन में है कि इस पे काम करेंगे। आप अब तीसरी बार सरबराही संभाले हुए हैं, मुश्किल सा नहीं लगता कि हमेशा जब ये टाइटैनिक का थोड़ा सा ज़रा इंजन में ख़राबी होती है तो फिर अरशद खान को बुला लिया जाता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है फ्रेंकली कि मुझे ये तीसरी दफ़ा मौका मिल रहा है। और ये भी सही है कि इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो निस्बतन बहुत ज़्यादा हैं उस वक्त के जब मैं पहली दफ़ा 2004 में आया, 14 साल पुरानी बात है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब मैं उसको कंपटीशन तो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं तो उसको एक्सटेंशन कहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये तो एक और भी इदारा है और बाकी भी जो चैनल हैं ये अच्छी बात है कि उनमें बहुत ग्रोथ हुई है और मैं उसको पाकिस्तान टेलीविज़न की एक्सटेंशन समझता हूँ। लेकिन यकीनन चैलेंजेस इस तरह से हो गए हुए हैं कि जो चीज़ सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न को मैसर होती थी, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट ले लें आप जी, अगर 20 लोग स्क्रिप्ट लिखने वाले होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ठीक 1964 से लेके तो 2002-2003 तक समझे आप 4 तक भी, वो सारे के सारे पाकिस्तान टेलीविज़न को मैसर होते थे एंड द प्रोड्यूसर हैज़ अ चॉइस टू पिक अ वन। बिल्कुल ठीक। नाउ इमेजिन कि अगर 100 चैनल हैं ये चलो एंटरटेनमेंट के 30-40 लगा लें तो स्क्रिप्ट लिखने वाले कितने हैं? एक तो स्क्रिप्ट लिखने वालों की कमी होती जा रही है, फिर वो क्वालिटी स्क्रिप्ट आपको मैसर हो सकता है जो आप चाहते हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल, और एक फिर हमारा तो ख़ास तौर पे जो डायलेमा है वो सिर्फ पीटीवी का नहीं है, तमाम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न या कोई भी पब्लिक सेक्टर इदारा अगर आप देखें 60s, 70s, 80s में तक भी किसी भी इदारे से या किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री से पीछे नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आई थिंक हमने मेरिट का दामन छोड़ दिया। अच्छा, अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ तो मेरिट को ना फॉलो करने की वजह से हम बहुत से मैदान में पीछे रह गए। अर्शद साहब, क्या ये डायलेमा, क्योंकि अब आप एक इंटरनेशनली वेल ट्रेवल्ड शख्सियत हैं और दुनिया के दूसरे पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी आपको बहुत एक्सपोजर है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का यानी सरकारी इदारों का डायलेमा पिछले 30-40 साल में, क्या आप समझते हैं कि दूसरे वेस्टर्न ममालिक ने भी इस डायलेमा को देखा, ख़ासतौर पर मीडिया के हवाले से, बरतानिया में या जर्मनी में या दूसरे ममालिक में, वेस्ट में, कि जो सरकारी टीवी है या सरकारी रेडियो है उसका प्राइवेट सेक्टर टीवी के साथ मुकाबला, बीबीसी ले लें, डॉयचे वेले ले लें, वॉइस ऑफ अमेरिका ले लें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकारी टीवी कहीं भी किसी मुल्क में भी आज भी प्राइवेट टीवी के मुकाबले में शायद एट पार ना होता हो। अच्छा, लेकिन ऑन द सेम टाइम इतना भी शायद पीछे ना होता हो Okay. जितना हम रह गए। अब मैं ये बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की और प्रेजेंटेशन की और ह्यूमन रिसोर्स की, लेकिन क्वालिटी और उसकी बात मैं भी नहीं कर रहा। क्वालिटी में मैं समझता हूँ या ऑब्जेक्टिविटी में मैं समझता हूँ आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न काफ़ी बेहतर खड़ा है। यू आर एब्सोल्युटली, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं एक नाज़िर की हैसियत से बात करूँ कि मैं पिछले 8 साल टीवी इंडस्ट्री से मैं भी जुदा रहा। मैं जब टीवी देखता हूँ एज अ कंज्यूमर ऑफ न्यूज, अर्शद साहब, मैं कहता हूं कि मुझे आई डोंट माइंड कि मुझे एक खबर 2 घंटे के डिले से मिले, लेकिन आई डू माइंड कि मुझे मुसद्दका खबर मिले। और आई थिंक कि पीटीवी ने इस चीज को कम अज कम वो ब्रेकिंग न्यूज और जल्दी दे जाने की दौड़ में शायद हम उस रेस का हिस्सा बने ही नहीं, और ये अच्छा हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये ब्रेकिंग न्यूज ही एक्चुअली मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम की जड़ आप उसको कह लें। पाकिस्तान टेलीविज़न का हमेशा फोर्ट ये रहा है सच जिम्मेदारी के साथ, नो स्पेकुलेशन, नो एग्जेजुरेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन। और मैं इसका क्रेडिट इस हुकूमत को भी ज़्यादा देना चाहता हूँ, मैं पहले भी 2 दफ़ा यहाँ रहा हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि जिन्होंने इस हुकूमत ने जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न को तमाम कर्ब से आज़ाद किया है,
उसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को है कि आज कोई पाबंदी नहीं है, अपोजिशन के तमाम लोग टेलीविज़न पर आ सकते हैं, उनको बराबरी, बल्कि मैं बराबरी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक हुकूमती नुमाइंदे के मुकाबले में दो अपोजिशन के लोग बैठे होते हैं, तो दे हैव गॉट मोर रिप्रेजेंटेशन देन द गवर्नमेंट इवन। ये इस वक्त जो पीटीवी न्यूज़ पे जो आप चल रहे हैं प्रोग्राम, आप देखिए उनको, ठीक जी हाँ। और मेरा ख्याल है कि एक प्रोडक्टिव और मज़ेदार स्पाइसी काम होने में कोई वैसे मजायका नहीं है, थोड़ा बहुत मसाले के बगैर हंडिया तो बड़ी फीकी लगती है ना, लेकिन सिर्फ मिर्चें ही लग जाएं ये ज़रा मुनासिब नहीं होता। आई थिंक एटलीस्ट व्यूअर्स को तमाम पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल, और फिर वो खुद जज कर लें क्या ट्रूथ है क्या सच्चाई है, बजाय इसके कि जो चैनल है वो मसाला ऐड करे। एग्जैक्टली, लेट द पीपल से देयर व्यू पॉइंट एंड लेट द पीपल डिसाइड। अर्शद साहब, स्पोर्ट्स खासतौर पर क्रिकेट मेरा ख्याल है कि हम सब के रगों में जो खून दौड़ता है उसके अंदर छक्के चौके और विकटे, क्रिकेट के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, स्पोर्ट्स के बगैर से पीटीवी स्पोर्ट्स भी हमारा एक हाउस होल्ड नेम है। हाउ डू यू सी दिस चैनल, दिस ब्रांड ग्रोइंग? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, PSL आ रहा है और फुटबॉल के हवाले से भी, सो इसको एक होम ब्रांड को जी कैसे आप देख रहे हैं आगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न जब एक चैनल भी था तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा शोबा नहीं है जो जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपना रोल अदा ना किया हो। ये ज़रूर है कि वो हाइब्रिड चैनल था जी, उसी में खबरें आ रही हैं, उसी में एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं, उसी में तालीम के प्रोग्राम हैं, उसी में खेल के प्रोग्राम हैं। अगर आप याद करें तो क्रिकेट हम लोकल प्रोड्यूस किया करते थे, हॉकी, स्क्वाश। तो पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के मामले में हमेशा से बड़ा अपना रोल अहम रोल प्ले करता रहा है। क्रिकेट का मैच, हॉकी का मैच, सेवन कैमरा प्रोडक्शन, लेकिन अब बस स्पोर्ट्स माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी मुझे वो है ये कि हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट फोकस्ड हो गए हैं। अच्छा, ऑल्दो क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता, मैं खुद बहुत शौक से देखता हूँ, मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है, लेकिन आई थिंक हमें बाकी स्पोर्ट्स को भी, जो हॉकी है या स्क्वाश है या कबड्डी है या व्हाटएवर टेनिस है, उनको भी हमें सबको, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये हो गया कि स्पॉन्सरशिप जो है वो उतनी अवेलेबल नहीं है उन खेलों को जो क्रिकेट को मैसर है। ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक PTV स्पोर्ट्स इज़ डूइंग वेल, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह और आगे चल के और भी तरक्की करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी स्पोर्ट्स को भी मौके फराहम करें। एक और जो रिश्ता पाकिस्तान का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से बांधता है वो है PTV ग्लोबल, और इस वक्त हमारी ये जो प्रोग्राम तो PTV होम का है, लेकिन हमारा ये ब्रेकफास्ट एट होम लेटर ऑन सुबह 8 बजे PTV ग्लोबल US और PTV ग्लोबल UK पे जाता है, लेकिन इस वक्त आप इसको बराह रास्त देख रहे हैं। PTV ग्लोबल के अर्शद साहब जो नाजरीन हैं, जो वो मेरे एक दोस्त कहते हैं कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ कि हम जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो तुमसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, आउट ऑफ इमोशंस, उनको आप क्या कहना चाहेंगे PTV ग्लोबल की पाकिस्तानी व्यूअरशिप को कि वो जो इस इमोशनल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से? देखिए तौसीक जी, PTV ग्लोबल जो अमेरिका और USA का मेरी पहली टेन्योर के दर वक्त ही शुरू हुआ जी, बिल्कुल आई रिमेम्बर, और उसका बुनियादी मकसद एग्जैक्टली ये था कि हम जब वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको पाकिस्तान से कैसे जुड़ा रखें, और दूसरी जो उनकी जो आगे जनरेशन्स हैं जो वहीं रहती हैं उनको कैसे अपने कल्चर्स अपनी बाकी चीज़ों से मुतारफ़ करा सकें। तो बुनियादी मकसद यही था, और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी वहाँ बहुत शौक से, ऐसा फील होता है बाहर कभी आप ट्रेवल करो तो ऐसा फील होता है जैसे यू आर इन पाकिस्तान। ट्रू। तो एक चीज़ की जो कमी है ग्लोबल में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबल में भी लोग, वो ये है कि हम वहाँ जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन शायद उस तरह नहीं कर पा रहे अभी जो हमें करने की ज़रूरत है, कि वहाँ के इवेंट्स को दिखाएं, वहाँ के लोगों के से बातचीत करें, और बड़ी बड़ी कहानियां हैं और बड़े रोल मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, बहुत बड़े बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, और मेरा ख्याल है वो कहानियां यहाँ के पाकिस्तानी तक, यहाँ की कहानी तो वहाँ पहुँच रही है वहाँ, लेकिन शायद वहाँ की कहानी यहाँ नहीं पहुँच रही, और वो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एंड वेरी राइट यू सेड, बच्चों के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। हमारा ये शो में आप देख सकते हैं बच्चों का एक स्पेशल सेगमेंट होता है, बड़े ब्राइट किड्स। PTV ने बच्चे की उंगली नहीं छोड़ी आज तक, हर तरह का दौर आया PTV पे, डिप्स भी आए, उतार चढ़ाव हंसते हर तरह के, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने एज अ स्टेट TV बच्चों की तरबियत और उनसे बात करने की रिवायत छोड़ी नहीं। हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ कि
इस प्रोग्रामिंग के टाइम को बढ़ाया जाए, या मैं ये तो नहीं कहता बच्चों के लिए अलहदा से आपका चैनल हो पीटीवी किड्स के नाम से या समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस हवाले से हाउ डू यू सी के बच्चे की तरबियत के लिए पाकिस्तान टेलीविजन और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, और पाकिस्तान में जहाँ पे आई थिंक 60% से ज़्यादा लोग जो है 30 ईयर से कम है, यूथ इज 62.8%। जी हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़रूरत है, और हमारी जो अगली प्रोग्रामिंग आप देखेंगे इंशाल्लाह वो यूथ फोकस्ड होगी, और हमारे मिनिस्टर साहब ने तो बल्कि अनाउंस भी किया था कि हम एक किड्स चैनल भी हमें लॉन्च करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो उसकी एक फिजिबिलिटी देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें बच्चों के प्रोग्राम्स में, या मैं बच्चों को यूथ के साथ लिंक करता हूँ, यूथ के लिए हमें ज्यादा प्रोग्रामों को बढ़ाने की जरूरत है, टीनएजर्स खास तौर पे। जी हां जी, क्योंकि टेक्निकली तो यूथ को हम 30 साल तक लेके जाते हैं खींच तान के लेकिन थोड़ा ऊपर कर ले तो हम भी आ जाएंगे थोड़ा सा दिल जवान हो जाए, एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा अर्शद साहब, कुछ हम जरा कुछ ऑर्गेनिक म्यूजिक की तरफ भी चलेंगे, आज सुबह से हम वाइटल साइंस और नाजिया जुहेब और आलमगीर और मैडम नूर जहां फरीदा खानम उनके गाने याद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस सेशन की मुनासिबत से हम क्या जासिम सुनने जा रहे हैं? हम आलमगीर का एक सॉन्ग बेंजामिन सिस्टर्स के साथ, बेंजामिन सिस्टर्स और आलमगीर का ख्याल रखना। जी जनाब, साहब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें कि अब फ्यूचर में पीटीवी के रंग, जैसा कि अभी बात कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट से रंग और इनकी चकाचौंध टेक्निकली भी है, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी, आर्टिस्ट के हवाले से भी है, लेकिन आखिर में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले कंवल नसीर साहब हमारे साथ बैठे और उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी कि अर्शद साहब जब आए तो उनसे तुमने ये ज़रूर बात करनी है कि एक स्टेट टेलीविजन की हैसियत से या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एक नुमाइंदा आर्टिस्ट के साथ इंटरफेसिंग की हैसियत से, वो आर्टिस्ट जिसको जिसकी कोई रिटायरमेंट नहीं है, उसके कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, उस आर्टिस्ट के लिए ख़ासतौर पर ओल्ड एज बेनिफिट्स के हवाले से आपका, मुझे याद है पहले भी एक विजन था,
उस हवाले से कंवल साहिबा के सवाल है जो मैंने आपके सामने रखा। देखिए वैसे तो पाकिस्तान टेलीविज़न से नो डाउट तमाम आर्टिस्टों ने का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न से हुआ। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी तो कल्चर मिनिस्ट्री की बनती है एक्चुअली। हाँ। मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कल्चर भी इन्हीं के साथ है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उनकी वेलफेयर के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स के लिए हमें सबको मिल के कुछ करना चाहिए। मैं सच्ची बात है कि इस वक्त प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं आपको जवाब दे सकूं कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि कमल साहब को पता था ना वो ऐसे ही सवाल नहीं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि बिकॉज अभी मैंने ज्वाइन किया है कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने तवज्जो दिलाई है इस तरफ, तो मैं मिनिस्ट्री से भी बात करूंगा इंशाल्लाह। बल्कि मैं समझता हूं कि सब चैनल्स को मिलके हमें, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान टेलीविजन ही और सिर्फ मिनिस्ट्री, देखिए ये आर्टिस्ट जो है ये तो अब पूरे मुल्क का असासा है ना। एब्सोल्युटली। तो जितनी हमारे चैनल्स हैं हमें सबको मिल के कोई ऐसा फंड बनाना चाहिए जिससे इनकी वेलफेयर पे काम किया जा सके। ग्रेट। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल फंड के नाम से यूएसएफ कहलाता है, यूनिवर्सल सर्विस फंड। ओके। और वो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एरिया के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और टेलीकॉम सर्विसेज को उन एरिया में ले जाया जाता है जहाँ वो नहीं है या अंडर सर्व्ड है। तो इसी तरह ऑपरेशनली इसकी मिसालें मौजूद हैं, आज हो रहा है ना। तो इसी तरह मे बी तमाम चैनल्स मिलके और गवर्नमेंट भी मिलके हम ऐसा कोई फंड बना सकते हैं जिसमें हम आर्टिस्टों की वेलफेयर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अर्शद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीवी, दिस पी टीवी, जिसमें तीसरी दफ़ा इस टाइटैनिक को स्टीयर करने के लिए आपको मौका दिया गया है। एंड frankly, we are really hopeful and really positive ke yourself and Khawar Azhar, aap in dono ke saath and PTV ki ye able family jo hai, jo ki already jo permanent PTV ke members hain, staff members hain, aur Arshad sahab, let me be their voice right now at this moment and let me tell you honestly, we want to work. Aise young producers maujood hain, inme se kuch is do is waqt panel pe bhi baithe, who want to do this beautiful creative work. It is just that people like you have to channelize us and give us the pathway. Absolutely. Thank you very much. बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया साथियों कि आज आपने ब्रेकफास्ट एट होम के इस स्पेशल सेशन को मेरे साथ एक्सपीरियंस किया। पाकिस्तान टेलीविजन की आज बर्थडे है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था, ये वो इदारा है, ये वो स्क्रीन है, ये वो माइक्रोफोन है जिसने हमें पाँव पाँव चलना सिखाया, जिसने हमें ये सिखाया कि क्या कहना है, जिसने हमें ये भी सिखाया कि कब क्या बात नहीं कहनी है। आज हमारी बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू अस, हैप्पी बर्थडे टू मी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी रे, दी इजाजत। तो कल आपसे सुबह 7:15 पे PTV होम, सुपहर 4 बजे PTV होम और PTV ग्लोबल US, सुबह 8 बजे PTV ग्लोबल UK, सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।